मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। बेटा देखो, आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ जून 2023 का पेपर। रीजन क्या है इतना लेट लाने का, क्योंकि सारे PYQ जितने भी पास्ट ईयर के क्वेश्चन है, सबका सोल्यूशन आपको दे दिया गया, लेकिन एक पेपर जून 2023 का नहीं दिया, इसलिए ताकि आप कम से कम उसका प्रैक्टिस करके तो देखें कि हम कितने क्वेश्चन उसमें कर पा रहे हैं। एग्जाम पैटर्न पे अगर आप उसको करते हैं, उतने ही ड्यूरेशन में आप करते हैं, तो कितने क्वेश्चन कर पा रहे हैं, ये आपको चेक करने का जरूरत था। आप लोगों ने किया भी होगा, बहुत से स्टूडेंट्स ने उनका प्रॉब्लम भी मेरे से पूछा, प्रॉब्लम आया, मैंने प्रॉब्लम बताया भी, लेकिन क्योंकि कुछ स्टूडेंट जो हैं वो प्रॉब्लम पूछते ही नहीं हैं, तो इसी वजह से देखो मैं आज जो लेके आया हूं जून 2023 का कंप्लीट सॉल्यूशन। और इसमें, इस सीरीज में आपको स्टैटिस्टिक्स का जो सॉल्यूशन है वो पहले ही प्रोवाइड करवा दिया गया था, लेकिन मैं आपको मैथ्स का सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा रहा हूं। आप देखो यहां पे एक एक क्वेश्चन को हम देखेंगे, क्योंकि मैंने इसको चैप्टर वाइज ही लिया है, और आप इसमें देखेंगे तो उस समय रेशो के अंदर से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, प्रोपोर्शन में से भी कोई नहीं पूछा था, लेकिन इंडिसेस से क्वेश्चन आया। और आप इंडिसेस का क्वेश्चन देखेंगे तो दो क्वेश्चन है इंडिसेस के, ठीक है, ये दो क्वेश्चन इंडिसेस के पूछे गए और दोनों को मैं ले रहा हूं यहां पे। और आप इनको देखेंगे तो ये क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन, ठीक है, ये क्वेश्चन तो हमारे मॉड्यूल में, मतलब ICI के मॉड्यूल में मौजूद है, VSI के मॉड्यूल में मौजूद है। VSI का मॉड्यूल का मतलब ICAI मॉड्यूल ही है, क्योंकि VSI में हमने ICAI के क्वेश्चन कंपाइल्ड करके लिए हैं, वी आर नॉट राइटिंग द मॉड्यूल ऑफ VSI, ठीक है, हमने केवल कंपाइल किए हैं, यानी कि जो ICAI के मॉड्यूल में क्वेश्चन थे, जो स्कैटर्ड थे डिफरेंट जगह पे वो क्वेश्चन रखे हुए थे, उनको हम एक जगह लेके आए और इस तरीके के ऑर्डर में उनको लगाया, ताकि वो एक जैसे क्वेश्चन आपको एक जगह दिखाई दे, ठीक है। अब देखो यहां पे, तो ये वाला PYQ का क्वेश्चन है, आप देखेंगे तो पास्ट ईयर के क्वेश्चनों में ये आया हुआ है, और इसका सॉल्यूशन मैं पहले ही दे चुका हूं, तो ये वापस से देखो 23 में रिपीट हुआ, जून 23 में, और ये क्वेश्चन हमारे मॉड्यूल के अंदर मौजूद है। अच्छा, PYQ में भी ये आ चुका है, दोनों क्वेश्चन हमें आते हैं, ठीक है। अब लेकिन अगर मान लीजिए आप PYQ नहीं करते हैं तो दिक्कत तो है, क्योंकि ये लीक से हटके क्वेश्चन है। देखो लीक से हटके क्या है, इस क्वेश्चन में जो आपको करना है, क्वेश्चन नंबर 1 में आपको क्या करना था, क्योंकि हमें पता है कि ये हमें दे रखा है दिस, यानी कि क्यूबिक रूट ऑफ ए प्लस क्यूबिक रूट ऑफ बी प्लस क्यूबिक रूट ऑफ सी इक्वल टू 0, ठीक है। अगर मान लीजिए कि मैं इसको सपोज करता हूं ए, इसको मैं क्या सपोज करता हूं ए, इसको सपोज करता हूं बी, और इसको सपोज करता हूं सी, तो ये बन गया क्या, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। और हमारे पास में एक रूल है, वो रूल क्या है, वो रूल ये है कि व्हेन ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 होता है, ये जब 0 होता है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब वो किसके इक्वल होता है, 3ABC के इक्वल होता है, ठीक है। ये एक रूल है कि व्हेन ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 देन ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3ABC, यानी कि हमने इसको ये ए सपोज किया, इसको बी सपोज किया, इसको ये सपोज किया है, और ये 0 बुना, तो देखो इसका क्यूब करूंगा, क्योंकि ये तो ए सपोज किया, तो बताओ इसका क्यूब करूंगा तो ये क्यूबिक रूट है। अगर रूट होता है, स्क्वायर रूट होता है, और उसका स्क्वायर होता है तो वो रूट का साइन हट जाता है, वैसे ही ये क्यूब होता है और ये क्यूबिक रूट है तो ये हट जाएगा, तो आपको पता चलेगा ये आ गया ए, ठीक है। ये क्या बन गया, देखो इसका भी क्यूबिक रूट हट जाएगा बी, और ये क्या बन गया सी, और ये किसके इक्वल आया, 3A, A लेकिन किसको माना है, इसको देखो क्यूबिक रूट ऑफ ए को, तो क्यूबिक रूट ऑफ ए, फिर क्यूबिक रूट ऑफ बी, और फिर क्यूबिक रूट ऑफ सी, ये जो थे उसको मैंने यहां लिख दिया। तो अब देखो यहां पे मैं इनको क्या लिख सकता हूं, इसको ये लिख सकता हूं कि ये क्यूबिक रूट ऑफ इसका भी है, इसका भी, इसका भी है, तो आप इसको लिख सकते हैं 3 इंटू क्यूबिक रूट ऑफ, एक साथ लिख सकते हो ए बी सी,
ये हमने लिख दिया और ये किसकी वैल्यू आई है, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आई है। और यहां पे देखो हमसे जो पूछा गया है वो क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया a प्लस बी प्लस सी अपॉन 3 का होल क्यूब। ठीक है, अब देखो a प्लस बी प्लस सी क्या आ गया, ये आ गया, तो यहां पे हमने लिख दिया 3 इंटू क्यूबिक रूट ऑफ ए बी सी अपॉन 3, और ये 3 से 3 कैंसिल हो गया। अच्छा, इसका भी क्या है, होल क्यूब। अब वापस से देखो क्यूब है और ये क्यूबिक रूट है, तो ये रूट हट जाएगा ना, तो कितना आ गया ए बी सी, यानी आंसर क्या हो गया हमारा ए बी सी, तो राइट आंसर इज ए। ठीक है, अब ये हमें पहले से अगर PYQ में हमने कर रखा होता और ये जून 2023 में आया था, तो ये सब आपको करने का जरूरत नहीं था, आपको ध्यान था कि भाई हमें जो है आंसर जो है वो हमें या तो पहले से ही ध्यान में रहता है, नहीं तो आप तुरंत ही इसको कर सकते हो इस तरीके से। ठीक है, अब देखो सेकंड क्वेश्चन जो दे रखा है, तो इसको आपको बता ही रखा है कि किस तरीके से करना है। जब भी मैंने कहा है मोर देन वन इक्वल का साइन हो और वो कॉमा से सेपरेट हो, लगातार हो तो इक्वल टू के लिखते हैं, लेकिन मोर देन वन इक्वल का साइन हो और कॉमा से सेपरेट होता है या एंड से सेपरेट होता है, तो हम लेफ्ट पार्ट को लेफ्ट पार्ट से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, लेफ्ट पार्ट आप अगर देखेंगे तो इसमें देखो एक्स वाई जेड, तो एक्स वाई जेड देखो, इसका लेफ्ट ये है, इसका लेफ्ट ये है, इसका लेफ्ट ये है, और राइट पार्ट को राइट पार्ट से करेंगे, यानी कि एक्स सॉरी यानी कि वाई का पावर ए, फिर जेड का पावर बी और एक्स का पावर सी। ठीक है, तो ये हमने कर दिया। और इक्वल का साइन क्या कहता है, इक्वल का साइन ये कहता है कि लेफ्ट पार्ट किसके इक्वल होगा, राइट पार्ट के, इक्वल का साइन ये कहता है, और नीचे वाला पार्ट इक्वल है। देखो मैं 2 × 3 × 5 लिखूं या 5 × 3 × 2 लिखूं, एक ही बात होता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इधर उधर कर सकते हैं, यानी कि आप कंपेयर करोगे तो ये देखो नीचे वाला पार्ट सेम है तो ऊपर वाला भी सेम होगा, तो कंपेयर करोगे तो ए का वैल्यू कितना आएगा 1, बी का वैल्यू भी कितना आएगा, तो जेड वाले का भी 1 है, और ये सी का वैल्यू भी कितना आएगा 1, और आपसे यही पूछा है कि ए बी सी कितना होगा। देखो तो ए बी 1 है, बी बी 1 है, सी बी 1 है, तो कितना आ गया 1, और वैसे भी आपने बहुत बार ऐसे क्वेश्चन कर रखे हैं, तो दोनों क्वेश्चन आसान। ठीक है, तो आप खुद इसको समझें कि एक्चुअल में जो दोनों क्वेश्चन आए वो हमारे PYQ के बेस पे आए, तो आपको समझ में आएगा मैं क्यों बोलता हूं कि आपको पास्ट ईयर के क्वेश्चन करने चाहिए। और ये जो मैंने जून वाला 23 वाला इतना लेट करवा रहा हूं, उसके पीछे भी रीजन यही है कि कम से कम आप इनका खुद एक प्रैक्टिस तो करते और देखते कि भैया हम कहां स्टैंड कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे कुछ पेपर होने चाहिए जिनको हम खुद इवेल्युएट करें, और ICAI ने जिनको दिया था हमें। देखो एक क्वेश्चन हम ले रहे हैं यहां पे, थर्ड नंबर देखिएगा लॉग। अब देखो फिगर बदले हैं बाकी रूल नहीं बदलते हैं, 5 log 100 base 10 और ये इसका स्क्वायर यही है। देखो log 10 है फिर 5 log 100 ये, ठीक है ओके। अब देखो तो आपको पता चल रहा है कि भैया ये बड़ा नंबर है, और मैंने बोला है कि लॉग का क्वेश्चन हो या इंडिसेस का, बड़ा नंबर जब भी होता है तो हम फैक्टर करते हैं, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, देखो 10 का पावर 2, भाई 100 का मतलब 10 का स्क्वायर हो गया 10 का पावर 2, और ये देखो यहां पे ये हमने कर दिया। फिर आप देखेंगे तो ये जो है ये रिजल्ट पे पावर है तो कहां जाएगा आगे, तो आपको दिखाई देगा ये तो बन गया 5 × 10, और ये 10 और ये 10 और ये लॉग कितना बन जाएगा, ये वाला पार्ट बन जाएगा 1। ठीक है, और इसका भी क्या है ये स्क्वायर, तो आप देखेंगे कि लॉग 10 बेस 10, क्योंकि 10 × 1 10 और ये बेस 10। ठीक है, ये आपको दिखाई देगा कि जब भी ये ऐसा होता है तो ये कितना बन जाता है, देखो अभी 1 बनाया था ये भी 1, और 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 का स्क्वायर होगा 1। आ रही है बात समझ में, तो ये वही है जो हमने पहले कर रखे हैं, भी कोई नया नहीं है भी। देखो ये क्वेश्चन भी हमारे मॉड्यूल में ही दे रखा है, तो लॉग का क्वेश्चन ये थोड़े से डेटा बदल के आया, बाकी रूल वही लग रहे हैं, जिस तरीके के क्वेश्चन हमने किए हैं उसी तरीके से, बड़ा नंबर भी होता है हम फैक्टर करते हैं,
यहां पर भी देखेंगे तो इस तरीके का क्वेश्चन आपको दे रखा है मॉड्यूल के अंदर, ठीक है। और इसको देखेंगे, एग्जैक्ट नहीं है, थोड़ा सा चेंज करके है, 100x/y², ठीक है। अब आप इसको करेंगे तो आपको पता है जितने भी मल्टीप्लाई में होते हैं वो सब अलग अलग लॉग में जाते हैं, प्लस में आते हैं, और डिवाइड में होते हैं वो माइनस में जाते हैं। क्योंकि आपको, मैंने याद करने के लिए, गलत ना करें, मैंने आपको बता रखा है कि सिंगल लॉग में रूल जो होता है, तो SMD याद करवा रखा है, सिंगल लॉग में रूल मल्टीप्लाई का और डिवाइड का। मल्टीप्लाई में होता है तो प्लस में, डिवाइड में होता है तो माइनस में, ये सिखा रखा है अभी, ठीक है। तो अब आप ये देखो कि ये सिंगल लॉग है और ये मल्टीप्लाई और डिवाइड में है, तो मल्टीप्लाई वाले प्लस में जाएंगे, डिवाइड वाले माइनस में जाएंगे। तो लॉग ऐसे लिख सकते हैं, 100 base 10 प्लस लॉग एक्स बेस 10 माइनस लॉग वाई स्क्वायर बेस 10, बेस नहीं बदलता। तो देखो ये दोनों मल्टीप्लाई में थे वो प्लस में लिखे, ये डिवाइड में था तो माइनस में लिखा। बस अब कर लो, 100 कितना होता है, 10^2, ठीक है। और 10^2 तो 2 तो आगे आ जाएगा, 10 log, तो ये तो 2 बन गया, प्लस log x का वैल्यू हमें दे रखा है। देखो आप क्या दे रखा है वो लिख दो, m + n - 1, ये हमने लिख दिया, -2। ये देखो ये आगे आ जाएगा 2, तो क्योंकि रिजल्ट पे पावर होता आगे जाता है, और ये log y का वैल्यू हम लिख देंगे, और वो क्या दे रखा है हमें, m - n, ठीक है। और अब इसको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, देखो 2 + m + n - 1, माइनस का 2m और प्लस का, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, ये देखो ये साइन गलत अगर आप कर दोगे तो दिक्कत आ जाएगी, ये 2n, ठीक है, ये 2m और ये 2n। और इसको देखेंगे तो देखो 2 - 1 कितना रह गया, 1। अच्छा ये m और ये माइनस का 2m तो कितना आ गया, माइनस का m, ये n और ये 2n कितना आ गया, प्लस का 3n, 1 - m + 3n, तो देखो आंसर कौन सा हो गया हमारा, a। आगे बस समझ में, ठीक है। देखो अब देखो ये दो क्वेश्चन आए हुए हैं और ये हमारे इक्वेशन से रिलेटेड हैं, और ये मैंने आपको बोला है कि आप क्रॉस चेक कर सकते हैं, सॉल्व भी कर सकते हैं, ठीक है। दोनों क्वेश्चन वही है, लेकिन एग्जैक्ट आएंगे ये नहीं है, लेकिन हाँ ये एज वाला जरूर थोड़ा सा एग्जैक्ट दिख रहा है, सिमिलर दिख रहा है, ठीक है, लेकिन थोड़े से चेंजेशन के साथ में है भी। देखो 5th नंबर का क्वेश्चन, द लार्जेस्ट साइड ऑफ ए ट्राइंगल इज 3 times द शॉर्टेस्ट साइड, ठीक है। सबसे बड़ा वाला साइड है वो ट्राइंगल का 3 times द शॉर्टेस्ट साइड, ठीक है। तो शॉर्टेस्ट साइड को हम S मान लेते हैं, ठीक है। तो बताओ लार्जेस्ट साइड कितना होगा, क्योंकि ये बोल रहा है कि शॉर्टेस्ट साइड का कितना है, 3 times है, ठीक है। तो लार्जेस्ट वाला हो गया 3S, ये हमने शॉर्टेस्ट साइड को ले लिया ऐसा, ठीक है। फिर क्या बोला, एंड थर्ड साइड इज 4 cm शॉर्टर देन द लार्जेस्ट साइड, और तीसरी वाली साइड है ये तो स्मॉलर है सबसे ज्यादा, फिर ये लार्ज वाली, और अब हम निकालने हैं बीच वाली साइड जो है मिडिल वन, तो मिडिल वन जो है वो लार्जेस्ट साइड से कितना है, 4 cm शॉर्टर है। अच्छा चाहे तो L माइनस 4 कर दो, लेकिन L कितना है, खुद S है, क्योंकि हम सबको S में कन्वर्ट कर लेंगे, शॉर्टर वाली को तो हमने S लिखा, और लार्जेस्ट बोला कि S का ट्रिपल है, तो ये लिख दिया। अब मिडिल वाला जो बोल रहा है कि वो लार्जेस्ट से 4 cm छोटा है, तो लार्जेस्ट से 4 cm करा, लेकिन लार्जेस्ट को आप लिख दो 3S, क्योंकि आप लिख सकते हो देखो, और माइनस 4। तो अब देखो कि हमारे पास में तीनों चीजें, ये जो है मिडिल वन, ये लार्ज वन, और ये स्मॉलर, तीनों चीजें आ गई, और तीनों का सम हमें जो दे रखा है वो दे रखा है, देखो इफ द पैरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल इज एटलीस्ट 59 cm, पैरीमीटर क्या होता है, लेंथ ऑफ आउटर बाउंड्री, ठीक है। तो इन तीनों का जो सम है, यानी कि S का, 3S का और 3S - 4 का जो सम है वो कितना है, 59 cm, ये हमने कर दिया। अब इसको सॉल्व कर लो, और 59 cm में भी क्या बोला, एटलीस्ट, ये हमें ध्यान रखना है भैया,
ठीक है, एटलीस्ट बोला है, ठीक है 59 सेंटीमीटर एटलीस्ट। तो अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो 3s 7 7s आ गया, और ये माइनस का 4 उधर गया तो 63, ठीक है, और वो भी एटलीस्ट। अब देखो s कितना आ गया 9, तो यानी कि सबसे छोटी वाली साइड जो होगी 9 होगी कम से कम एटलीस्ट, क्योंकि जो लिखा हुआ है ना उसी तरीके से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कम से कम जो होगी वो 9 सेंटीमीटर, यानी कि या तो 9 या 9 से क्या होगी, कम से कम का मतलब समझते हो, 9 या 9 से बड़ी। तो आंसर जो होगा वो देखो, क्योंकि इसने यही पूछा व्हाट इज द लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट साइड, तो एस निकाल लिया हमने, तो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 9 सेंटीमीटर। एग्जैक्ट नहीं है भैया, वही है बोला है कि वही चीजें हैं, एग्जैक्ट नहीं होगा। आया बात समझ में? देखो अच्छा एक क्वेश्चन और था इसमें, इसको हम क्रॉस चेक कर सकते हैं 6 नंबर को। द एज ऑफ मैन इज 4 टाइम द सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज 2 सन्स, ठीक है, एज ऑफ ए मैन 4 टाइम द सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज 2 सन्स, ठीक है। तो आपको पता चलेगा कि ये ऐसा क्वेश्चन जो है वो हमारे मॉड्यूल में भी दे रखा है। 4 गुना है भैया, ठीक है, और आफ्टर 10 ईयर हिज एज विल डबल द सम ऑफ देयर एजेस, लेकिन सन कितने 2, और सम ऑफ एजेस ऑफ 2 सन्स बोला है और उसका 4 टाइम है। तो पहले आप चेक करो 56 को, 56 अगर मान लीजिए कि मैन का एज है 56, इसका मतलब, और ये 4 गुना था, तो इसका मतलब जो सन होंगे उनके, उनकी एज का सम जो होगा वो कितना होगा, 4 टाइम है, तो आप इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो पता चलेगा 14 का सम ऑफ एजेस ऑफ हिज 2 सन वो कितना होगा 14, क्योंकि आप इसका 4 टाइम करेंगे तभी 56 आएगा, पहले आंसर को चेक कर रहा हूं, ठीक है। तो इसका मतलब ये मैन तो 56 का जो दे रखा है और ये 14 उनका। अब जैसा बोला वैसा करके देखते हैं और उससे आता है कि आफ्टर 10 ईयर 10 साल बाद ये देखो ये 66 का होगा। अच्छा लेकिन ये कितने के होंगे भैया, सन 2 हैं तो 10 ईयर हैं तो, और सन 2 हैं तो 10 प्लस 10 20 ऐड होगा इसमें, इसमें तो 10 ही ऐड होगा, इसमें 20 होगा, तो ये आएगा 34 का, और ये कह रहा है कि ये उस समय डबल हो जाएगा, तो बताओ डबल है क्या, नहीं है, यानी ये तो आंसर नहीं है। तो इसको आप चेक करेंगे, देखो जो आंसर है उसी को चेक करके बता रहा हूं, ये सेकंड्स में चेक होते हैं, ये आपको समझा रहा हूं, ऐसे समझाने का नहीं है, ये तो हम पेपर को डिस्कस कर रहे हैं, यानी पेपर डिस्कशन का मतलब है कि आपको बाकी सारी चीजें आती है, आप फटाफट उस चीज को पकड़ पा रहे हो, ग्रास्पिंग है आपकी। लेकिन अगर मान लीजिए आप यहां कंसेप्ट समझ रहे हैं तो भैया कंसेप्ट से नहीं होगा। तो ये 60, तो बताओ ये कितने के होंगे, 15 के, 15 4 जा 60 हो गया। अब आप देखो 10 ईयर, आफ्टर 10 ईयर ये होगा 70 का, लेकिन ये होंगे 20 ऐड होगा तो 35 का। 20 क्यों ऐड कर रहा हूं, क्योंकि सन 2 है, और ये देखो ये इसका डबल है, और डबल है तो यही आंसर हो गया, सी इज राइट आंसर, 60 इयर्स, ठीक है। तो ये चीजें आपको समझ में आनी चाहिए भाई। देखो देखो दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन है, उसके बाद में एक एक करके लेते हैं। देखो 7 नंबर में बोल रखा है, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, ठीक है, और आपको देन द इक्वेशन हुज रूट्स आर, देखो ऐसा क्वेश्चन भी है, ठीक है, हुज रूट्स आर अल्फा प्लस बीटा अल्फा माइनस बीटा, लेकिन एग्जैक्ट डेटा के साथ में नहीं है, है ना, ये ध्यान रखना। तो हमें इक्वेशन फॉर्म करना है जिसके रूट क्या हो, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा, ठीक है, और इसके रूट जो हैं वो अल्फा बीटा दे रखे हैं, ठीक है। तो आपको करना क्या है कि अल्फा बीटा, तो दो चीजें हम आसानी से निकाल सकते हैं, और वो ये कि एक तो सम ऑफ रूट, और सम ऑफ रूट क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, और माइनस बी कितना है देखो आपको पता चलेगा, माइनस का 2 है, और ए कितना है 1 है, ठीक है, तो कितना आ गया 2, और एक प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाल सकते हैं और वो होता है सी अपॉन ए, और सी कितना है देखो माइनस 3 है,
और ए कितना है 1, तो ये कितना आ गया -3। लेकिन आपको पता चलेगा कि जब हम इसका इक्वेशन फाइंड आउट कर रहेंगे तो हमें अल्फा माइनस बीटा भी चाहिए, तो अल्फा माइनस बीटा अगर हमें नहीं पता तो वो कहां मिलेगा, 4 फॉर्मूला में मिलेगा भैया, ठीक है। और वो क्या है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा और उसका होल रूट। और अल्फा प्लस बीटा आप देखें 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4, अल्फा बीटा कितना है -3, तो ये देखो आपको पता चलेगा माइनस माइनस प्लस 4 12 प्लस 4 16 का रूट 4, तो ये 4 आ गया, तो हमने ये भी निकाल लिया, ठीक है। तो अब इक्वेशन फॉर्म करते हैं तो वो होती है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट। देखो सम ऑफ रूट एक ये है और एक ये है। अच्छा इसका वैल्यू पता है आपको कितना है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं यहाँ पे 2 है, तो यहां लिख दो 2। और अल्फा माइनस बीटा कितना है, देखो आपको पता चलेगा 4 है, तो यहां लिख दो 4, ठीक है। तो देखो ये हमने यहां पे ही लिख दिया, तो इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट, सम ऑफ रूट तो 2 और 4 का सम किया तो कितना आ गया 6x, प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट 4 और 2 का प्रोडक्ट किया तो कितना आ गया 8 इक्वल्स टू 0। तो ये आंसर हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इक्वल्स टू 0, तो राइट आंसर इज बी, ठीक है। तो बात समझ में की यही है, क्योंकि हमने जो पढ़ा है मॉड्यूल के अंदर वही चीजें, लेकिन एग्जैक्ट आए ये जरूरी नहीं है, तो कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए और कंसेप्ट ये सारी चीजें बता रखी है भी आपको। तो अभी तक देखो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो PYQ या मॉड्यूल में मौजूद ना हो, बस एग्जैक्ट वो नहीं आते हैं भी, आप सोचेंगे वैसे के वैसे आ जाए तो नहीं आएंगे। हम देखो इफ अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन देन द वैल्यू ऑफ दिस, देखो अगेन हमें 4 फॉर्मूला बेस पूछ लिया, अल्फा बीटा अगर इसके रूट हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस हाफ एन का पावर 4 प्लस एन स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। तो देखो जब भी रूट दिए जाते हैं कि इसके रूट अल्फा बीटा हैं, तो आपको मैंने यही बोला है कि सबसे पहले दो चीजें निकालो, एक सम ऑफ रूट वो क्या होता है माइनस बी अपॉन ए। अब इसने ऐसा लिखा तो थोड़ा सा देख के डर लगता है, बस वो डराना ही चाहते हैं, बाकी है कुछ भी नहीं। तो देखो माइनस, तो ये वाला फॉर्मूला वाला बी कितना है, बी खुद माइनस का है, ठीक है, और वो कितना है, तो ये माइनस तो हमने लिखा ये खुद माइनस का है, तो माइनस का एन स्क्वायर प्लस 1, ए कितना है भैया 1, तो देखो ये कितना आ गया, तो ये आ गया एन स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 1 का मतलब यही रह गया, क्योंकि ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया। अब एक चीज और निकाल लो, अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है भैया सी अपॉन ए, तो आप देखो सी ये इतना ही है यानी कि यही आ जाएगा, तो सी अपॉन ए, तो सी कितना है देखो ये है हाफ एन की पावर 4 एन स्क्वायर प्लस 1, ए 1 है तो ये 1 से डिवाइड करेंगे तो यही आ गया, ये मैंने लिख दिया। हमें चाहिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो मैंने ये बोला है कि जब भी हमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के अलावा जो कुछ पूछता है वो 4 फॉर्मूला में मिलता है, तो ये देखो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2 अल्फा बीटा, बस ये फॉर्मूला होता है। अब इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे, अल्फा प्लस बीटा देखो ये रहा एन स्क्वायर प्लस 1, यहां लिख दो एन स्क्वायर प्लस 1 और उसका क्या कर दो होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ठीक है। अल्फा बीटा देखो प्रोडक्ट जो है वो ये दे रखा हाफ फिर एन का पावर 4 एन स्क्वायर प्लस 1, कैलकुलेशन में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये देखो ये आ गया, अब सॉल्व कर लो इसको, अब कैलकुलेशन करके, अब यहां पे ही कैलकुलेशन गड़बड़ होगा तो दिक्कत है, फिर सॉल्व करोगे तो आपको पता चलेगा आपका आंसर क्या आएगा एन स्क्वायर। करके बता देता हूं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी, ठीक है। ये सारी चीजें आपको करने की है, अभी ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। अब ये माइनस के साइन इन सबके साइन बदल देगा, तो माइनस का एन 4 माइनस का एन स्क्वायर और माइनस का 1, ठीक है। अब देखो ये कैंसिल हो गया आपका 2 एन स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर प्लस 1 से, ये माइनस 1 कैंसिल हो गया,
टू एन स्क्वायर में से एन स्क्वायर गया तो कितना बच गया, एन स्क्वायर बच गया। तो ये देखो ये आ गया। हमारा काम जो है वो केवल इतना ही है कि आपको कंसेप्ट पढ़ाएं, और कंसेप्ट मैंने पढ़ाएं, और मैंने यही बोला है कि जब भी अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के अलावा जो कुछ पूछा जाता है वो कहाँ मिलता है, फोर फॉर्मूला में, और फॉर्मूला लिखा जाए तो आपको ये सारी चीज आ जाएगी। ठीक है, एग्जैक्ट वो क्वेश्चन नहीं है भैया, वो तो साफ मना मैं खुद भी करता हूँ, उन जैसे हैं। अब देखो ये दो जो हैं वो इनइक्वलिटीज पे बेस क्वेश्चन आए हुए हैं, और आप खुद देखिएगा तो जैसे इक्वेशन बनती है वैसे ही इन इक्वेशन बनती है, और दोनों क्वेश्चन जो है वो आप बनाएंगे इन ए गारमेंट फैक्ट्री, एंड एवरेज एक्सपीरियंस टेलर कैन स्टिच 5 शर्ट्स। अब देखो वो तो आप सोचेंगे वो के वो हो नहीं, लेकिन उन जैसे जरूर हैं भैया। तो यहां पे देखो कि एक्सपीरियंस पर्सन जो है 5 शर्ट बना सकता है, और फ्रेश टेलर जो है वो 3 शर्ट बना सकता है। ठीक है, बट द एम्प्लॉयर हैज टू मेंटेन एन आउटपुट एटलीस्ट 30 शर्ट स्टिच्ड पर डे, दिस कैन बी फॉर्मुलेटेड एज। देखो इसमें भी कमी है, वहां पर आप देखेंगे तो सीए इंस्टीट्यूट के जो मॉड्यूल है उसमें भी ये दिक्कत है, क्योंकि इसमें बताया नहीं गया है कि भैया एक्सपीरियंस पर्सन एक्स से और जो फ्रेशर वन है वो वाई से। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही देख पाते हैं। तो आप देखिएगा कि एक्सपीरियंस पर्सन को एक्स से डिनोटेड किया गया और फ्रेश पर्सन को वाई से डिनोटेड किया गया, और वन एक्सपीरियंस पर्सन जो है वो 5 करता है, तो बताइए एक्स पर्सन कितने करेंगे, 5x करेंगे। वन फ्रेशर वन जो है वो 3 यूनिट करता है, तो ये बताओ कि वाई जो फ्रेशर होंगे वो 3y करेंगे, और दोनों का जो सम होगा वो किसके इक्वल होगा, क्योंकि उसने बोला कि आउटपुट जो चाहिए एटलीस्ट 30 शर्ट्स पर डे चाहिए, यानी कि कम से कम 30, कम से कम 30 का मतलब या तो 30 या 30 से ज्यादा, लेकिन ज्यादा कौन वेरिएबल, ये ध्यान रखना, जो भी कम और ज्यादा का बात होता है वो वेरिएबल के लिए, तो आपको पता चलेगा कि जो हमारा आंसर आएगा वो ये आएगा। तो देखो राइट आंसर इज सी, और ये जो बोला गया है वो ये कि भैया ये दोनों जो होंगे जब भी बनेगा सॉरी, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आएंगे। ठीक है, क्योंकि शर्ट नेगेटिव तो बना नहीं सकते हैं कि भैया नेगेटिव नंबर्स में शर्ट बना दे, तो हमेशा वो जो लाई करेंगे वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लाई करेंगे। ठीक है, तो ये दे रखा है। ऐसे ही आप ये 10 नंबर का देखेंगे, ए फर्टिलाइजर कंपनी प्रोड्यूसेस 2 टाइप ऑफ फर्टिलाइजर कॉल्ड ग्रेड 1 एंड ग्रेड 2, इच ऑफ दीज टाइप इज प्रोसेस, और आपको ध्यान है वहां पर ये फर्टिलाइजर का भी क्वेश्चन दे रखा, लेकिन डेटा थोड़ा सा बदला हुआ है, नाम बदले हुए हैं। ठीक है, वहां पे 2-2 के लिए था, ये 1 के लिए बना रहा है। ठीक है, 1 ही बन रहा है। तो देखो 2 टाइप ऑफ फर्टिलाइजर कॉल्ड ग्रेड 1 एंड ग्रेड 2, इच ऑफ दीज टाइप प्रोसेस थ्रू ए क्रिटिकल केमिकल प्लांट यूनिट, द प्लांट हैज मैक्सिमम 180 आवर्स अवेलेबल इन ए वीक। तो देखो प्लांट जो है वो टाइप इज प्रोसेस थ्रू ए क्रिटिकल, ठीक है, इसको 180 घंटे काम में लिया जा सकता है, कितना मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा, तो ये हमने लिख दिया। ठीक है, फिर क्या बोला है, मैन्युफैक्चरिंग 1 बैग ऑफ ग्रेड फर्स्ट फर्टिलाइजर रिक्वायर्ड 4 आवर, तो ग्रेड फर्स्ट और ग्रेड सेकेंड। ठीक है, ग्रेड फर्स्ट को बनाने के लिए 4 घंटे लगते हैं, ठीक है, और ग्रेड 2 को बनाने के लिए देखो यहां पे लिखा हुआ 10 आवर्स लगते हैं, इसको 4 आवर्स, इसको 10 आवर्स लगते हैं। ठीक है, तो ये 10 आवर। ठीक है, अगेन देखो इसमें यही कमी है, और वो कमी क्या है कि ये भैया कितने, तो ये टोटल नंबर ऑफ बैग हमने मान लिए अकॉर्डिंग टू आंसर x1 बनाता है, और ये कितने बनाता है, x2 बनाता है, जो 4 ऑप्शन में x1 x2 यूज में ले रखा है तो वो हमने लिखा। अब देखो अगर 1 बैग को बनाने में 4 आवर, तो x1 बैग को 4x1, 1 बैग को बनाने में 10 आवर, तो x2 बैग को 10x2, और दोनों का जो सम होगा, क्योंकि इट इज अवेलेबल फॉर 180 आवर्स, या तो 180 घंटा काम में ले सकते हैं, ठीक है, या उससे कम। अरे अगर दिन में 24 घंटा अवेलेबल है, इफ देयर इज 24 आवर इन अ डे, तो ज्यादा से ज्यादा हम कितना घंटे काम कर सकते हैं, 24 या 24 से कम 28 घंटे नहीं कर सकते भैया, तो जितना अवेलेबल होता है उतना या उससे कम, लेकिन कम कौन, वेरिएबल,
वेरी वेलकम होगा। तो देखो ये साइन, क्योंकि इंपॉर्टेंस इसी साइन की है, तो आप देखेंगे कि आपको आंसर जो मिलेगा वो कौन सा मिलेगा, डी। ठीक है, तो ये देखो 10 क्वेश्चन जो हैं वो आपको पता चलेगा फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर से 10 क्वेश्चन पूछे। ठीक है, तो इसका मतलब रिमेनिंग जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो फोर्थ अकेले से पूछे गए। ठीक है, अब आप ये देखिएगा फोर्थ अकेले से, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, एन्यूटी। तो देखो 11 से लेके, मैं आपको एक बार दिखा देता हूं, ये सारे क्वेश्चन जो हैं 11 से लेके और 24 तक के, यानी कि 14 क्वेश्चन जो हैं वो हमारे फोर्थ चैप्टर से आए। यानी कि पहला जो पार्ट है वो 24 क्वेश्चन को कवर कर रहा है, फर्स्ट 50%। और हम हमेशा यही बोलते हैं कि भैया पहला पार्ट जो है वो, क्योंकि उन्होंने दे रखा है भैया 50-60% कवर करेगा। ठीक है, यानी मिनिमम 20 क्वेश्चन और मैक्सिमम 24 क्वेश्चन। ठीक है, तो देखो अभी हम ये क्वेश्चन करते हैं। देखो इसके इंटरेस्ट के भी क्वेश्चन आप देखेंगे तो वही है, बस दिमाग को शांत रख के अगर क्वेश्चन करेंगे तो फटाफट आएंगे भैया। अब देखो ये क्वेश्चन भी अगर आप PYQ करते ना, और PYQ में एक क्वेश्चन मैंने ऐसा समझा रखा है, ये मिक्सचर के फॉर्म का क्वेश्चन है। वैसे नॉर्मली करेंगे तो टाइम लगता है भैया, है ना, लेकिन अगर आप अगर जैसा मैं समझाता हूं उस तरीके से करेंगे तो आपको टाइम भी नहीं लगेगा। और ये एक PYQ में आया हुआ है, देखो जो भी लीक से हटके आया हुआ क्वेश्चन है वो आपको PYQ में नजर आ जाएगा। मिस्टर राम इन्वेस्टेड टोटल 1 lakh इन 2 different बैंक फॉर ए फिक्स सर्विस पीरियड। द फर्स्ट बैंक यील्ड एन इंटरेस्ट ऑफ 9%। पहला बैंक 9% करता है, सेकेंड 11% करता है। ठीक है, इफ द टोटल इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 1 year इज दिस, यानी कि पहले ने 9 दिया, दूसरे ने 11 दिया और टोटल 9.75 है, यानी कि इन दोनों का जो मिक्सचर है वो हमें दे रखा है 9.75। तो यानी कि हम ये मिक्सचर वाले कंसेप्ट से इसको कर सकते हैं, और मैंने आपको प्रपोर्शन के अंदर ही बताया है। तो देखो प्रपोर्शन में बताया था कि मिक्सचर के क्वेश्चन, क्योंकि इसने बोला है पहला 9 दूसरा 11 और दोनों का मिक्स करके 9.75 आता है, तो इसका मतलब क्वेश्चन मिक्सचर का बन गया। और मिक्सचर का बनता है तो मैंने आपको यही करवाया है कि आप इनको डायगोनली सब्ट्रैक्ट करें, और डायगोनली करेंगे तो 11-9.75 तो 1.25 आ गया, और 9.75 बड़े में से छोटा करना है तो ये आ गया 0.75, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये 5 आ गया और ये कितना आ गया, 3 आ गया, 25 से हमने किया इसको। ठीक है, और डेसिमल आप इसका हटा सकते हैं क्योंकि डेसिमल के बाद में इसमें भी 2 digit है, इसमें भी 2 digit है, तो देखो मैंने ये कर दिया तो 5:3, यानी कि ये अमाउंट जो डिवाइड होगा वो 5:3 में होगा। और उन्होंने यही पूछा है देन द अमाउंट इन्वेस्टेड इन दीज बैंक आर रेस्पेक्टिवली। तो नॉर्मली करेंगे तो टाइम लगेगा, लेकिन देखो फटाफट निकल गया। और 5:3 में डिवाइड होगा तो 1 lakh को 5:3 में डिवाइड कर लो। ठीक है, और 1 lakh को 5:3 में, तो ये टोटल दे रखा है तो इसका भी क्या करोगे भैया, टोटल। ठीक है, बता रखा है रेशियो पर हम वही ऑपरेशन करते हैं जो हमें एक्चुअल में गिवन होता है, तो टोटल करा तो कितना 8, और वैसे टोटल दे रखा हमें 1 lakh। इसका मतलब ये और ये एक ही बात है, तो 8 अगर मान लीजिए कि 1 lakh के इक्वल है तो बताओ 1 किसके इक्वल होगा बाय यूनिटरी मेथड, 1 lakh डिवाइडेड बाय 8, और हमें निकालना है 5:3, तो एक बार 5 निकालना है, इंटू 5 कर लो, और एक बार आप जब 5 निकालेंगे तो ये ऐसे आ जाएगा, और अगर आपको 3 निकालना है तो आप इसको कर लो, तो 1 lakh डिवाइडेड बाय 8 इंटू 3 कर लो, फिर आप इनको सॉल्व करेंगे कैलसी से तो आपको पता चलेगा आंसर कौन सा आएगा, डी। ठीक है, लेकिन ये PYQ नहीं करते हैं तब ऐसे क्वेश्चन नहीं होंगे आपसे, क्योंकि PYQ के अंदर एक क्वेश्चन ऐसा आया हुआ है भी। ठीक है, और बाकी क्योंकि आपका दिमाग ये तब ओपन होगा इन चीजों के प्रति जब आप PYQ के क्वेश्चन करते हैं पास्ट ईयर के। अब देखो बाकी के क्वेश्चन आपको मॉड्यूल जैसे दिखेंगे, है ना, नाम बदले हैं, थोड़ा सा फिगर बदल दिया, बाकी चीजें वैसी की वैसी आपको दिखाई देगी। देखो गोविंदा's मदर डिसाइडेड टू गिफ्ट हिम 50,000 एवरी ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे। ठीक है, गोविंदा की मदर ने डिसाइड किया कि 50,000 हर साल आपको मिलेगा स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे।
स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे, तो देखो हर साल 50,000 एवरी ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम फोर द नेक्स्ट फाइव ईयर, तो समझ में आ गया क्वेश्चन एन्युटी का। फर्स्ट ईयर 50,000, सेकंड ईयर 50,000, थर्ड ईयर 50,000, ठीक है। और तो ये एन्युटी का है और स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे बोल दिया, तो कौन सी एन्युटी का है, तो पता चला ड्यू और इमीडिएट एन्युटी का है, क्योंकि रेगुलर एन्युटी में तो एंड की बात करता है। गोविंदा डिपॉजिट दिस अमाउंट इन बैंक एज एंड व्हेन ही रिसीव एंड गेट 10% पर एनम इंटरेस्ट रेट कंपाउंडेड एनुअली, व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दिस एन्युटी। तो प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, बस प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला लगा दो। तो प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला फॉर ड्यू और इमीडिएट एन्युटी होता है ए इंटू 1 प्लस आई रेज टू द पावर एन माइनस 1 अपॉन आई और 1 प्लस आई की पावर एन प्लस ए। लेकिन आपको पता है 1 पीरियड शॉर्ट के लिए होता है, ठीक है। तो 1 पीरियड शॉर्ट के लिए होता है, तो n माइनस 1 प्लस ए, ये वाला, ये फॉर्मूले में आप वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक तरीका तो ये है, और दूसरा तरीका ये है कि हमें इसका वैल्यू दे रखा है 4.10 का, ठीक है। तो देखो ये 5 ईयर के लिए तो ये तो 4 बन जाएगा, और इसका वैल्यू दे रखा है, तो आप यहाँ पे ये लिख सकते हैं, ए का वैल्यू आपको पता ही है 50,000, ठीक है। और ये जो होता है ये इसका वैल्यू है भैया पूरे का, ये जो लिखा गया पी में ऐसा लिखा जाता है, ये पूरे का वैल्यू दे रखा है, तो आप इसको, मैंने बोला एग्जाम में अगर वैल्यू दे तो उसी को काम में लेना। तो 3.16987 प्लस 50,000, ठीक है। तो आप ये करेंगे तो देखो, इसको कैलकुलेटर से आप करेंगे तो 5 3 15, और ये देखो तो आपको पता चलेगा ये आंसर आएगा, यस बी इज राइट आंसर, ठीक है। कैलकुलेट कर लेना तो ये आंसर आ जाएगा आपका। तो आपको पता चलेगा कि ये क्वेश्चन वही है, देखो उसमें था मॉड्यूल में अगर आप देखेंगे तो था, सपोज योर मॉम डिसाइड टू गिफ्ट यू ₹10,000 एवरी ईयर, ठीक है, और वो भी 5 ईयर के लिए था। तो क्वेश्चन में बस इसकी जगह गोविंदा लिख दिया, और वो 10,000 की जगह कितना लिख दिया, 50,000 लिख दिया, ठीक है। तो डेटा थोड़ा सा बदल दिया, ठीक है, बाकी क्वेश्चन वही है। अब देखो ये क्वेश्चन है 30 नंबर, नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट का, देखो दोनों क्वेश्चन ले लेते हैं हम, द नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% पर एनम, द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड क्वार्टरली, द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपको आता ही है, इक्वल्स टू व्हेन आर इज गिवन 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू द पावर टी माइनस 1, परसेंटेज में दे रखा है तो इंटू 100 भी कर दो, ठीक है। लेकिन इसके बाद में आपको देखना है कंपाउंडेड कैसा है, अगर ये चीज आपने ध्यान नहीं दी तो फिर ये फॉर्मूला लिखने से काम नहीं चलेगा। तो ये आर बाई 4 और 40, और फिर यहाँ पे वैल्यू पुट कर देना तो आपका आंसर आ जाएगा भैया, ठीक है। मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ लेकिन आप खुद कैलकुलेट कर लेना इसको। तो 10 आर 400 तो नीचे आ जाएगा, टी 1 होता है हमेशा 4 × 1, तो 4 − 1 × 100 सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 10.38, ओके। ऐसे ही आप 40 नंबर का क्वेश्चन अगर आप देखेंगे, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज फॉर 9 मंथ एट 16%, ये भी देखो कंपाउंडेड कैसा है क्वार्टरली। सिंपल सा कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा, मैंने बोला कंपाउंड इंटरेस्ट पूछे भी तो भी कंपाउंड अमाउंट ही निकालना, और उसमें से प्रिंसिपल सब्ट्रैक्ट कर देना, नहीं तो आप सी आई का फॉर्मूला लिख दो। सी आई इक्वल्स टू कंपाउंड अमाउंट होता है पी इंटू 1 + r/100 रेज टू द पावर टी और माइनस क्या कर देना, प्रिंसिपल, ठीक है। अब यहाँ पे आप वैल्यू पुट करेंगे लेकिन ये देखो ये कंपाउंडेड क्वार्टरली है, तो ये आर बाई 4 करना और ये 40 करना, ठीक है। अब वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। तो प्रिंसिपल देखो आपको दे रखा है 15625, 1 + r कितना है 16, और 4 भी नीचे, 100 भी नीचे, तो 400, टी हमेशा 1, तो 4 × 1 = 4 माइनस पी, तो ये प्रिंसिपल है ये वाला, तो इसको सॉल्व करके ये कर लेना तो आपको पता चलेगा कि आंसर कितना आएगा 1951, ठीक है। कैलसी वो तो चलाना आता ही है भाई, जब अब इतने सारे PYQ कर लिए, VSI का मॉड्यूल कर लिया, या जहां से भी आप पढ़े हैं वो वाला मॉड्यूल हमने कर लिया, तो ये सब चीजें आपको आती है।
ठीक है, अब देखो यहां पर भी अगर क्वेश्चन देखेंगे तो ये सारे फॉर्मूला बेस्ड हैं भी, ठीक है। तो आप देखो कि इतने आसान, अच्छा वही क्वेश्चन है जो हमने पढ़े हैं, बस थोड़ा सा डेटा बदला हुआ है और कुछ नहीं। देखो क्या लिखा हुआ है 15 में, जॉनी वॉन्ट्स टू हैव 2 लाख इन हिज सेविंग अकाउंट आफ्टर 3 ईयर। 3 साल बाद में वो कितना रुपए चाहता है? 2 लाख रुपए चाहता है। द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर्ड बाय बैंक इज 8% पर एनम कंपाउंडेड। हाउ मच शुड ही इन्वेस्ट टूडेट टू अचीव हिज टारगेट। देखो आपको खुद को पता चलेगा, ये एवरी ईयर की बात नहीं कर रहा, हाउ मच शुड ही इन्वेस्ट टूडेट टू अचीव हिज टारगेट, यानी कि ये रेगुलर बेसिस पे इंटरवेल पे बात नहीं कर रहा है, एन्युटी का तो नहीं है। फिर भी इसने क्या पूछा है हमसे, जो पूछा है वो ये पूछा कि भाई आज कितना इन्वेस्ट करें, यानी प्रेजेंट वैल्यू पूछी है, और फ्यूचर में उसको कितना चाहिए? 2 लाख। जब एन्युटी की बात नहीं करता है तो प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला मैंने बताया है, फ्यूचर वैल्यू अपॉन 1+R/100 रेज टू द पावर टी, यही बताया। अब कंपाउंडेड कैसा है ये देख लेना, तो कंपाउंडेड एनुअली है, एनुअली है तो यही फॉर्मूला लगेगा। अगर ये चेंज होता तो मैं इसको यहां चेंज कर देता, बस आप वैल्यू पुट कर दो, तो ये तो हो गया, हमें चाहिए 2 लाख, 2 लाख लिख दो, ठीक है। 1+R कितना है? 8%, तो ये लिख दो। टी कितना है भाई? तो टी आपको पता चलेगा 3 साल, ठीक है, 3 ईयर लिखा हुआ है, 3 ईयर, तो ये 3 लिख दिया। सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा भैया, ठीक है, कितना? 1587664, ठीक है। तो ये देखो वही क्वेश्चन है, बस आपको ये समझने की बात है कि भैया क्योंकि उसने डेटा बदला है, थोड़ा सा नाम बदले हैं और कुछ नहीं। ए मशीन इज डेप्रिशिएटेड 10% ऑफ इट्स वैल्यू एट द बिगिनिंग ऑफ ए ईयर, द कॉस्ट एंड स्क्रैप वैल्यू रियलाइज्ड एट द टाइम ऑफ सेल बीइंग इज दिस एंड दिस, अप्रोक्सीमेटली इन हाउ मेनी ईयर द मशीन इज पुट टू यूज, ठीक है। मशीन का क्वेश्चन है, नहीं समझ में आता कि आफ्टर वाला लगाऊं या बिगनिंग वाला लगाऊं, तो मैंने बोला है कि आफ्टर वाला लगाना। तो द वैल्यू ऑफ मशीन आफ्टर टी ईयर्स, और इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया है, ठीक है, वो क्या बताया, P × 1 - R/100 रेज टू द पावर टी। अब कंपाउंडेड देख लो, कोई चेंज तो नहीं है, तो कंपाउंडेड का बात नहीं किया, यानी कि ये का ही है। अब ये काम में ले लिया, उसके बाद में जो है इसका वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू बताया गया 9000 हमने लिख दिया। अच्छा जब लिया था, परचेज किया था, तो इतने का था 240, ठीक है। 1 - R कितना है? 10 हमने लिख दिया, 100। अब टाइम हमसे पूछ लिया, एक ही अननोन है, तो इसको वैल्यू को आप लिख लिख के यहां पे पुट कर करके देखोगे तो 9 आप यहां ऑप्शन से पुट करना, तो आपको पता चलेगा कि भैया 9 पावर लगाएंगे तो ये करेंगे, तो इस तरीके से ये आंसर आएगा। तो कितना आएगा आंसर? 9। लिख लिख के देख लो, क्योंकि दूर दूर है तो बेटर है लिख के देख लो, इसको पहले इससे डिवाइड कर दो, फिर इस पे पावर लगा लगा के देख लो उतना किससे आता है। तो दोनों तरीके हैं, सब आपको बता रखा है, डेटा बदला बस केवल। देखो 17-18 देखो, द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड फॉर 3 ईयर एट 6% पर एनम 110.16 पॉइंट कहां गए, ठीक है। द प्रिंसिपल इज, तो देखो ये क्वेश्चन वही है, डेटा सेम है, तो आप 3 ईयर के लिए जब डिफरेंस बिटवीन CI और SI का बोले, तो मैंने आपको फॉर्मूला बता रखा है डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI, वो होता है P=D × 100/R² और 100/300+R, ठीक है, ये आपको बता रखा है। अब वैल्यू पुट कर देंगे तो आ जाएगा क्या, तो सारी चीजें हैं, डिफरेंस दे रखा है 110.16, 100 का स्क्वायर का मतलब 100 × 200,
फिर ये इंटू 100 और आर, आर देखोगे तो 6 है, 6 का स्क्वायर करूंगा तो 6 इंटू 6 और आर ऐड करूंगा इसमें 6 तो 306 और इसको सॉल्व करेंगे तो देखो आंसर आ जाएगा 10,000। ठीक है, ये वही है हमारे मॉड्यूल का ही क्वेश्चन है अभी। अब देखो ये पॉपुलेशन का, ये भी मॉड्यूल का ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको पता चलेगा इसका भी आंसर सबको याद है भी। द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इंक्रीजेज एवरी ईयर बाई 2% ऑफ द पॉपुलेशन एट द बिगनिंग ऑफ दैट ईयर द अप्रॉक्सीमेट नंबर ऑफ ईयर बाई विद द टोटल इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन विल बी 40% इज। ये भी वही है, ये भी वही है। ठीक है, दोनों मॉड्यूल के हैं। तो पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन आफ्टर टी ईयर, तो पॉपुलेशन आफ्टर टी ईयर करो तो करो, नहीं तो याद तो है ही। तो वो क्या है, p इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू द पावर t। ठीक है, और यहां से आप कर दो तो ये देखो 40% से इंक्रीज हो गया, तो इसका मतलब प्रेजेंट पॉपुलेशन आप मान लें 100 तो 140 बन गया और 1 प्लस आर 2% इसका दे रखा है ग्रोथ रेट और t जो है वो हमसे पूछा है। तो t कहां मिलेगा, ऑप्शन में दूर दूर है, तो पुट कर करके आप देख लो, वही चीज जो इससे पहले मैं बताया था पुट करके देख लो टाइम का, तो आपको पता चलेगा कि आंसर जो आएगा वो 17 से लगभग बराबर आता है। ठीक है, तो ये बता रखा है, जैसे इसको यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हो पुट करके देख लो, नहीं तो ये यहाँ पे गया तो 1.4, 100 यहाँ गया तो अब ये कितना आएगा 1.02, तो 1.02 पर पावर लगाओ, 1.02 का पावर कितना लगाएं कि 1.4 आ जाए, तो जब 17 पावर लगाओगे तो ये आता है। तो पुट करो चाहे ऐसे देखो, दोनों तरीके बता रखे हैं भाई आपको। देखो एक कार इज अवेलेबल 4,498,200 कैश पेमेंट ऑफ रुपीज 60,000 कैश डाउन पेमेंट फॉलोड बाय 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट। देखो एक कार जो है वो इतने की है, उसमें 60,000 उसने कैश डाउन पेमेंट कर दिया, बाकी का उसने क्या किया है इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट में पे करने का प्रॉमिस किया है। तो इसका मतलब आप देखेंगे दिस माइनस दिस, यानी कि जो लोन अमाउंट है वो कितने का हो गया 4,98,200 माइनस 60,000, ये तो कैश पेमेंट कर दिया उसने, तो ये आ गया 4,38,200 इसने का लोन अमाउंट। और लोन अमाउंट क्या होता है मैंने बताया प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज इज 14%, प्रेजेंट वैल्यू क्यों होता है लोन अमाउंट, अरे लोन लेंगे तो आज लेंगे, आज लेंगे मान लें 100 रुपये मैंने लिया तो लिया, तो बताओ ये आज का वैल्यू हुआ फ्यूचर का हुआ, आज का हुआ। ठीक है, इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज इज 14% पर एनम, ठीक है आर हमें दे रखा है 14% कंपाउंडेड एनुअली है, देन टोटल इंटरेस्ट चार्ज इन द इंस्टॉलमेंट प्लान। ठीक है, तो टोटल कितना इंटरेस्ट प्लान किया, तो पहले तो टोटल इसका आप क्या निकालो, प्रेजेंट वैल्यू गिवन है तो प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला ही लगाओ, मैंने बोला प्रेजेंट गिवन तो प्रेजेंट, फ्यूचर भी गिवन है तो फ्यूचर, पूछता है तो लगाते ही है, इससे आपको क्या निकालेगा इंस्टॉलमेंट आ जाएगा और इंस्टॉलमेंट का टोटल अमाउंट आप निकाल लो। देखो बात समझ में आएगा, प्रेजेंट गिवन है तो प्रेजेंट का ही लगाऊंगा, प्रेजेंट का फॉर्मूला होता है a इंटू 1 प्लस आई रेज टू द पावर n माइनस 1 अपॉन आई 1 प्लस आई की पावर n। ठीक है, आप देखो क्योंकि इसने बिगिनिंग का बात नहीं किया ना एंड का, तो बाय डिफॉल्ट हम एंड मानते हैं, तो रेगुलर एनुइटी के लिए प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला लगा दिया और ये प्रेजेंट वैल्यू 438,200 और ये ए, और यहां पर अगर आप देखेंगे तो 1 प्लस आई, ए हमें निकालना है कि भाई इंस्टॉलमेंट कितने का होगा। ठीक है, 1 प्लस आई, आई अगर आप देखेंगे तो आप देखो 14% है तो ये कितना आ जाएगा 0.14, एन एन कितना होगा कंपाउंडेड ईयरली है ना, यस, नहीं तो चेंज करना पड़ता है, एन देखेंगे तो 3 है, 3 इंस्टॉलमेंट में देने का बात किया, देखो 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट 3 माइनस 1 आई 0.14 और ये 1.14 की पावर 3। और देखो यहां पे अगेन हमें इसका वैल्यू दे रखा है, दिख रहा है आपको इसका वैल्यू हमें दे रखा है, और इसका वैल्यू अगर हमें दे रखा है तो हम देखते हैं कि ए
इनटू, ये जो होता है ये पीएनआई जो होता है वो यही है, ठीक है, इसका वैल्यू दे रखा है और ये हमें दे रखा है, ये मेरे ख्याल में 2 पॉइंट है, ठीक है, 2.32163 और ये 438200। तो आप ए निकालना चाहते हो तो ये इसको डिवाइड करेगा और डिवाइड करेगा तो देखो कितना आएगा। कैलसी यहां पे नहीं है क्या? देखो मैं कैलसी नहीं है तो मैं कैलकुलेटर मोबाइल पे करके देख रहा हूं एक बार, तो आपको पता चलेगा कि 438200 को डिवाइड करेंगे 2.32163 से, ठीक है, तो ये आएगा 188,746.69, ठीक है, ये एक इंस्टॉलमेंट होगी, लेकिन आपने टोटल इंस्टॉलमेंट कितनी दे दी? देखो तीन इंस्टॉलमेंट दी तो इनटू क्या करोगे? 3, तो आपको पता चलेगा कि ये इनटू 3 करेंगे तो ये तो वैल्यू आया ए का, लेकिन इसको 3 से मल्टीप्लाई क्यों करेंगे? क्योंकि तीन इंस्टॉलमेंट दी है ऐसी, तो 3A निकालेंगे और 3A निकालेंगे तो देखो ये 3A होगा 3 इंटू दिस 188746.69, तो ये आएगा 56240.098, ठीक है। अब आप खुद देखो कि आपका जो था वो आपको पे तो इतना करना था, लोन अमाउंट तो इतना ही था, लेकिन आपने कितना पे किया? इतना करना इतना था, किया इतना, तो बताओ इंटरेस्ट कितना चार्ज हुआ? तो बात समझ में आ गई। तो देखो एक क्वेश्चन ऐसा पीवाईक्यू में आया हुआ है, ठीक है, तो अगर पीवाईक्यू करेंगे तो आपको पता चलेगा कैसे इंटरेस्ट निकलता है। तो देखो इंटरेस्ट वैसे तो कॉमन सेंस की बात है, लेकिन पीवाईक्यू नहीं करने का लॉस बता रहा हूं मैं आपको कि वहां पे दिमाग ही नहीं लगाना पड़ता, तुरंत आता है भैया। तो माइनस 438200 तो ये करेंगे तो देखो ये आ गया हमारे पास में 1,28,040, बिल्कुल यही आ रहा है, करके देख लेना आप। ठीक है, अब देखिएगा इसमें यहां पे अगर हम बात करें, इन दो क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, देखो 2021 इफ द डिस्काउंट रेट इज 10% पर एनम हाउ मच अमाउंट वुड यू पे टू रिसीव 2500 ग्रोइंग ऑफ 8% एनुअली फोर एवर। तो आपको पता चल गया फोर एवर हो गया, इसका मतलब परपेचुटी हो गया, ग्रोइंग एट 8% हो गया यानी कि ग्रोइंग परपेचुटी हो गया, और ग्रोइंग परपेचुटी का जो फॉर्मूला है वो मैंने आपको बता रखा है कि वो होता ए अपॉन आई माइनस जी, ठीक है। ए जो है वो आप देखेंगे तो ए हमें दे रखा है 2500, ठीक है, एनुअली चाहिए, फोर एवर चाहिए, तो और आई कितना है 10%, तो 10/100, जी कितना है ग्रोइंग है 8% से, तो 8/100, और सॉल्व कर लो, सॉल्व कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा भैया ये 1,25,000। और सेम क्वेश्चन है, डेटा थोड़ा सा बदला है भैया उसने, ठीक है, आपको पता चलेगा एग्जैक्ट वही क्वेश्चन नहीं होके थोड़ा सा डेटा बदल के उसने दिया है ग्रोइंग परपेचुटी का जो एग्जांपल में ही दे रखा है। देखो ये तो बात हुई 20 की, 21 देखो मिस्टर शरद गोट हिज रिटायरमेंट बेनिफिट अमाउंटिंग ऑफ ₹50,00,000, ही वांट टू रिसीव ए फिक्स मंथली सम of amount for his rest of his life starting after 1 month, देखो after 1 month and thereafter he want to pass on the same to the future generation। तो ये देखो आपको पता चलेगा वापस से perpetuity का question आया, same example ही वहां दे रखा है लेकिन data बदला हुआ है भैया, ऐसा का ऐसा ये है ऐसा कैसा, ही एक्सपेक्ट टू अर्न एन इंटरेस्ट ऑफ 9% कंपाउंडेड एनुअली, डिटरमाइंड हाउ मच perpetuity अमाउंट ही विल रिसीव एवरी मंथ, ठीक है।
तो इसमें इस बार हमें वो अमाउंट पूछ लिया जो एवरी मंथ उसको मिलेगा। तो देखो, एक तो होता है प्रेजेंट वैल्यू फॉर इनफाइनाइट एन्यूटी, ये होता परपेचुटी, ठीक है। और उसका फॉर्मूला मैंने बताया कि वो ए को आर लिखता है, लेकिन मैं ए ही लिख रहा हूं, ए अपॉन आई, ये फॉर्मूला होता है। ए क्या होती है, वो एन्यूटी जो हमें पता करनी है, ये हमें दे रखा है, देखो ये हमें दे रखा है 50 लाख, ठीक है। और ए हमें पता करना, आई हमें दे रखा है कितना दे रखा है 9% का, मतलब हो गया 0.09, यानी कि इसको आपको इससे मल्टीप्लाई करना है तो आपका आंसर आ जाएगा, तो आपको पता चलेगा आंसर होगा ये। देखो करके देख लेते हैं एक बार, कैलसी नहीं है मेरे पास, मैं देखता हूं। देखो 50 लाख मल्टीप्लाइड बाय 0.09, कुछ गड़बड़ करी है, मंथली चाहिए भैया, ठीक है, मंथली चाहिए तो आप 0.09 नहीं लिख सकते हैं, ये ईयरली नहीं चाहिए, ठीक है, ईयरली नहीं चाहिए, तो आपको क्या करना होगा कि 0.09 की जगह 9/100 की बजाय 9/1200 करना पड़ेगा। देखो थोड़ा सा भी गड़बड़ कर दिया तो दिक्कत हो जाएगी, एवरी मंथ, ठीक है, अभी कर लेना, अभी आ जाएगा वो। वैसे भी आप उसको जो आया था मेरा, उसको हमें 12 से डिवाइड करना था, तो फिर वो वापस से यही आंसर आ जाता, ठीक है। लेकिन मैं आपको, क्योंकि वहां पर भी ऐसा मंथली है, तो 9/100 नहीं करना, 9/1200, और ये छोटी छोटी सी बातें ध्यान रखने के लिए मैंने पहले भी बताया। अब देखो यहां पे, अब देखो CAGR का जितने भी एडिशनल पार्ट उन्होंने ऐड किए, सबका क्वेश्चन उन्होंने दिया है भैया। और मैं हमेशा बोलता ही हूं कि भैया जो पार्ट ऐड किया उन्होंने CA फाउंडेशन में, वहां से क्वेश्चन आता है। देखो परपेचुटी का आ गया, ग्रोइंग परपेचुटी का आ गया, ठीक है, इसके बाद में ये देखो CAGR का आ गया, ठीक है, तो सारे आ रहे हैं भैया। अब देखो CAGR का आया 22 नंबर का क्वेश्चन, और इसमें बोला मिस्टर पॉल इन्वेस्टेड 1 लाख इन ए म्यूचुअल फंड स्कीम इन जनवरी 2018, आफ्टर 1 ईयर इन जनवरी 2019 शी गॉट ए डिविडेंड अमाउंटिंग ₹10,000। 2019 में उसको 10,000 डिविडेंड मिला, फिर 12,000 मिला सेकेंड ईयर, फिर कितना मिला 16,000 मिला उसको थर्ड ईयर, 18,000 मिला फोर्थ ईयर, एंड ये मिला फिफ्थ ईयर में, ठीक है। व्हाट इज द कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ डिविडेंड रिटर्न, ठीक है, तो तरीका मैंने आपको बता रखा है, क्योंकि CAGR का जो फॉर्मूला होता है वो होता है वैल्यू एट TN पीरियड, वैल्यू एट T0 पीरियड, 1/TN - T0 - 1% में है तो × 100, ये फॉर्मूला हमें पता है। तो देखो वैल्यू एट TN, क्योंकि डिविडेंड का ही पूछा है हमसे, डिविडेंड रिटर्न का CAGR पूछा है, तो देखो लास्ट ईयर, क्योंकि पूरे का ही कुछ भी नहीं दे रखा, तो लास्ट ईयर का फर्स्ट ईयर से कंपेयर करेंगे, तो ये देखो 21,000, ठीक है, और पहले पहले साल कितना मिला था, 10,000 मिला था, ये लिख दिया हमने, ठीक है, 1/TN है 2023, तो 2023 माइनस पहला साल कौन सा था, 2019 से मिलना स्टार्ट हुआ था, तो 23 - 19 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आएगा, 5 मत कर देना भैया, तो ये देखो 2.1 की पावर 1/4 -1 × 100, ठीक है। और आप जब इसका पावर 1/4 निकालना आता है, दो बार रूट का बटन दबना है, 2.1 रूट, फिर एक बार रूट और, फिर -1 × 100, तो आपको पता चलेगा कि आंसर जो आएगा वो कितना आएगा, 20.38% आएगा, ठीक है। तो ये देखो, ये भी हमने CAGR का भी कर रखा है, बस इसमें गलती ये 1/5 की नहीं करनी है, क्योंकि मैंने बता रखा है कि ईयर जो कंपेरिजन होगा डिविडेंड जब से मिला और जब तक मिला, उन दोनों के बीच का डिफरेंस आता है, ठीक है।
अब देखो ये सपोज यू हैव डिसाइड टू मेक ए सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान इन ए म्यूचुअल फंड विद 1 लाख एवरी ईयर फ्रॉम टुडे, हर साल 1 लाख रुपए चाहिए भैया आपको और आज से चाहिए, कितने साल तक चाहिए? 10 साल तक। तो फर्स्ट ईयर 1 लाख, सेकंड ईयर 1 लाख, थर्ड ईयर 1 लाख, ठीक है। तो इसका मतलब क्वेश्चन तो एन्यूटी का हो गया, और फ्रॉम टुडे बोला है तो इसका मतलब एवरी ईयर फ्रॉम टुडे, तो एन्यूटी में भी कौन सा हो गया? ड्यू एन्यूटी का हो गया, ठीक है, ये हमने कर लिया। और रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है 10%, और व्हाट इज द फ्यूचर वैल्यू ऑफ दिस एन्यूटी, तो फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला लगा दो भैया इस एन्यूटी का। तो फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला देखो, फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला फॉर ड्यू और इमीडिएट एन्यूटी, तो वो होता है ए इंटू 1 प्लस i रेज टू द पावर n माइनस 1 अपॉन i, और मैंने बताया वो किससे मल्टीप्लाई होता है, 1 प्लस i की से मल्टीप्लाई और होता है, क्योंकि रेगुलर के लिए तो ए इंटू 1 प्लस i रेज टू द पावर n माइनस 1 अपॉन i होता है, लेकिन ये 1 प्लस i से मल्टीप्लाई और होता है, तो इसमें आप वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा भैया। तो आप देखो फ्यूचर वैल्यू, तो ये हमें पता करना है, 1 लाख हो गया इसका, फिर 1 प्लस i, कितना है अभी 10% है, 10% पर एनम ही है, कंपाउंडेड एनुअली है, ठीक है, तो 0.1, n कितना हो गया 10 ईयर है, 10 ईयर माइनस 1, फिर i 0.1, फिर 1 प्लस 0.1, तो 1 प्लस 0.1, ये कर देगा, सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा भैया, ठीक है। तो सिंपल से क्वेश्चन वही है आप देखेंगे, तो मैं क्यों आपको ये कहता हूं कि भैया PYQ करो, और फोर्थ नंबर का चैप्टर अगर आपने सही ढंग से किया तो आप सारे क्वेश्चन कर पाओगे, ठीक है। और रेगुलर बेसिस पे करने के लिए क्यों कहा है कि भैया ये चलता रहना चाहिए, 10-10 मिनट देना चाहिए, क्योंकि आप ये देखो कि ये करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, कैलकुलेटिव होते हैं भाई, ठीक है ना, थोड़ा सा टाइम लगता है, इसीलिए ये सारी बातें मैंने बोली हैं। देखो ए कंपनी वॉन्ट टू रिप्लेस इट्स एग्जिस्टिंग टूल रूम मशीन एट द एंड ऑफ 10 ईयर, द एक्सपेक्टेड कॉस्ट ऑफ मशीन वुड ₹10 लाख, इफ मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी क्रिएट्स ए सिंकिंग फंड हाउ मच प्रोविजन नीड्स टू बी मेड आउट ऑफ रेवेन्यू ईच ईयर विच कैन अर्न एट द रेट ऑफ 10% कंपाउंडेड एनुअली। तो देखो 10 लाख रुपए फ्यूचर में उसको चाहिए है, तो ये बोल रहा है कि हर साल वो कितने रुपए जो हैं वो अलग कर ले, ठीक है, ताकि वो इस के लिए मीट आउट कर पाए, ओके। तो सिंकिंग फंड क्रिएट करना है, तो ये जो 10 लाख रुपए चाहिए फ्यूचर में चाहिए, तो फ्यूचर में चाहिए तो मैंने कहा था फ्यूचर गिवन, तो भी फॉर्मूला फ्यूचर का पूछे तो भी फ्यूचर का, तो फ्यूचर वैल्यू, अच्छा एंड का बात कर रहा है या बिगिनिंग का, तो देखो इससे मत लेना, वो जो है एवरी ईयर एंड की बात कर रहा है या बस इच ईयर ही बोला, एंड और बिगिनिंग का बात नहीं किया, ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट भी एंड ही लेते हैं। तो फ्यूचर वैल्यू इक्वल्स टू ए इनटू 1 प्लस i रेज टू द पावर n माइनस 1 अपॉन i, ये फॉर्मूला हो गया। अब आप यहां पे वैल्यू लिखेंगे, तो देखो यहां पे हमारा फ्यूचर वैल्यू हमें चाहिए 10 लाख, तो देखिएगा ये हमने लिखा a, और यहां पे 1 प्लस i, i कितना है 10% है, एनुअली है तो ये 0.1, n 10 ईयर ही है तो देखो 10 लिख दो, माइनस 1 और i कितना है 0.1, सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसी तरीके से हमें करना था अभी, ठीक है। देखो तो ये देखो ये हमने देखा फोर्थ चैप्टर के क्वेश्चन, अब आगे हम देखते हैं। देखो ये भी अगर क्वेश्चन देखेंगे तो आपको पता चलेगा, ये फिफ्थ चैप्टर कॉम्बिनेशन परमुटेशन, तो ये परमुटेशन के क्वेश्चन है देखो, और ऐसा एग्जैक्ट तो नहीं है लेकिन इन जैसे क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन द लेटर्स ऑफ देयर वर्ड सॉफ्टवेयर बी अरेंज सो दैट द वॉवल्स ऑलवेज कम टुगेदर, ठीक है। तो देखो सॉफ्टवेयर SOFTWARE वॉवल्स कम टुगेदर, तो ओ ए
और ये साथ में आएंगे तो काउंटिंग वन, रिमेनिंग को काउंट करो 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। और सिक्स हैं तो सिक्स में से सिक्स को लेकर अरेंज करने का तरीका 6 × 6 × 2, क्योंकि ये तीनों साथ में आएंगे, ठीक है। लेकिन इनका ऑर्डर फिक्स नहीं है, लेकिन ये आपस में बदल सकते हैं, यानी कि क्या लिखूंगा 3P3। तो देखो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हमने किए हैं, तो 6P6 720 × 3P3 कितना होता है 6, तो आपको पता चलेगा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 4320। 26 देखो, 6P2R इक्वल्स टू 12 × 6PR, ठीक है। R का वैल्यू पूछा कहाँ मिलेगा, ऑप्शन में, तो ऑप्शन से वैल्यू पुट करके देखना था। तो इस R की जगह 1 पुट करोगे दोनों साइड नहीं आएगा, 2 पुट करोगे तो दोनों साइड इक्वल आ जाएगा। तो 6P जो ऑप्शन है वही रख के बता रहा हूँ, 4 और 12 × 6P2। सॉल्व करोगे दोनों साइड बराबर आएगा। देखो 6P4 का मतलब क्या होता है, 6 × 5 × 4 × 3, ठीक है। और 12 × 6P2 का मतलब 6 × 5, ठीक है। तो ये देखो 6, 5 = 30, तो ये भी है, और ये 4, 3 = 12, 4 दोनों इक्वल आ गया, यही आंसर है। 1 रखते तो नहीं आता, देखो कितना सिंपल है। हाँ वो नहीं है, एग्जैक्ट वो नहीं है भैया, एग्जैक्ट नहीं मिलेगा। देखो दो क्वेश्चन और आए हुए हैं इसमें, ट्वेंटी सेवन नंबर आप देखेंगे तो 27 नंबर में इन द नेक्स्ट वर्ल्ड कप ऑफ क्रिकेट देयर विल बी 12 टीम्स डिवाइडेड इक्वली इनटू 2 इक्वल ग्रुप, ठीक है। अब देखो ये नया क्वेश्चन है, नया आपको पास्ट ईयर के क्वेश्चन में मिलेगा, तो मैंने बोला कि ऐसे क्वेश्चन तो आएंगे भैया, कुछ 2-4 क्वेश्चन तो पूरे 100 में से आएंगे, तो वो आते हैं और वो किस चैप्टर से आ जाए हमें नहीं पता। हाँ लेकिन दिमाग को शांत रखेंगे तो आप कर पाएंगे। इन द नेक्स्ट वर्ल्ड कप ऑफ क्रिकेट देयर विल बी 12 टीम्स डिवाइडेड इक्वली इनटू 2 इक्वल ग्रुप। तो देखो 12 थे, 2 इक्वल ग्रुप, तो 6-6 में हो गई। टीम ऑफ ईच ग्रुप विल प्ले ए मैच अगेंस्ट अदर टीम ऑफ द ग्रुप। 6 टीमें हैं और ये 6 टीमें आपस में ही एक दूसरे से मैच खेलेगी, सेम ग्रुप वाले से खेलेगी। तो बताइए मैच खेलने के लिए कितनी टीम रिक्वायर्ड है, 2 टीम रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो टोटल मैच कितने होंगे इस ग्रुप के, तो वो होंगे 6C2। टोटल टीम है 6 एक ग्रुप में, और 2-2 टीम रिक्वायर्ड है मैच खेलने के लिए, तो कितना हो गया, 2 हो गया। तो 6 और 2 तो क्यों लिखा, ये समझ में, सी कॉम्बिनेशन क्यों लिखा, क्योंकि अगर इंडिया पाकिस्तान से खेले या पाकिस्तान इंडिया से खेले तो मैच तो एक ही काउंट होगा ना, क्योंकि बात भी एक है, इंडिया पाकिस्तान या पाकिस्तान इंडिया एक ही बात है, ठीक है। मैच जो है वो इनका ऑर्डर बदलने से मैच की नंबरिंग नहीं बदलेगी कि 2 मैच हो गए, नहीं, तो इसलिए सी लगाया। अच्छा ये हो गए, अच्छा ये भी ऐसे ही करेगा, सेकंड 6C2, तो ये हो गया। देखो तो इतने मैच तो फर्स्ट ग्रुप से इतने, अब फिर उसने क्या बोला, फ्रॉम इच ग्रुप 3 टॉप टीम्स विल क्वालिफाई फॉर नेक्स्ट राउंड। यहां से भी 3 टीम जाएगी आगे और यहां से भी 3 टीम जाएगी, ये बोल रहा है, ठीक है। और फिर इन दिस राउंड इच टीम विल प्ले अगेंस्ट इच अदर। अब ये बोल रहा है कि ये 3 और 3 मिलके कितने बन गए, 6, और ये फिर आपस में एक दूसरे से खेलेंगी, खेलेंगी तो अगेन कितने, 6C2, ये हो गया। अब फिर क्या बोला, 4 टॉप टीम ऑफ दिस राउंड विल क्वालिफाई फॉर सेमीफाइनल्स। अब इनमें से 4 टीम आएगी भैया, कितनी टीम आएगी, 4, 6 में से 4 टीम आई, तो ये देखो 4 टीम आएगी, ठीक है, फॉर सेमीफाइनल एंड प्ले अगेंस्ट इच अदर। अब 4 टीम आ गई, एक दूसरे से खेलेगी, यहां से 6 आएगी, आई थी, ठीक है, और वो एक दूसरे से खेली, 4 आई तो एक दूसरे से खेलेगी, तो कितना होगा, 4C2, 6 आई तो 6C2 और ये 4C2, ठीक है। और फिर बोलता है एंड देन 2 टॉप टीम विल गो फॉर फाइनल, और इनमें से 2 टीमें ही फाइनल में जाएगी, ठीक है। अब 2 टीम फाइनल में गई तो ये देखो 4C2 आ गई। अब ये कितने मैच खेलेंगे, वेयर दे प्ले द बेस्ट ऑफ 3 मैचेस, 3 मैच खेलेंगे उनमें से बेस्ट 2 जो भी होगा वो उसको वर्ल्ड कप मिलेगा। तो हाउ मच मिनिमम नंबर ऑफ मैचेज इन द नेक्स्ट वर्ल्ड कप विल बी, मिनिमम बोला है भैया,
तो मिनिमम तो देखो तब हो सकता है जब लास्ट में कितने खेले, क्योंकि बेस्ट थ्री है, मतलब तीन में से जो होंगे दो जिसने जीत लिए वो तो हो सकता है पहले वाले दो, मिनिमम तो तब भी हो सकता है ना कि पहले वाले दो ही जीत लिए किसी ने, तो और मिनिमम नंबर ऑफ मैचेज बोला है, तो इसके लिए देखो तो ये दो टीमें जो होंगी वो मिनिमम जो दो मैच खेलेंगी, तीसरा केवल फॉर्मेलिटी रह जाएगा, है ना। मैक्सिमम बोलती तो तीन मैच यहां पे लिखते, लेकिन मिनिमम बोला तो दो ही लिखे। अब इन सबको आप काउंट कर लें तो देखो 62 को सॉल्व करेंगे तो 62 से जो बनेगा वो बनेगा 15 मैच, ये 15, ये कितने 15 मैच, यहां से भी 15, ठीक है। यहां से 4C2 को अगर आप सॉल्व करेंगे तो 4 12 2, तो 6 मैच यहां से और 2 मैच यहां से, तो देखो 15 15 15, 45 और 6, 45 और 6 हो गया 51 और 2 53, तो इन सब का टोटल जो आएगा 15 प्लस 15 प्लस 15 प्लस 6 प्लस 2, तो ये जो आएगा वो कितना आएगा 53। लेकिन अगर मिनिमम नहीं होके मैक्सिमम पूछता तो 54 होते, मिनिमम की जगह मैक्सिमम पूछता तो आंसर 54। तो इन छोटी छोटी सी बातों का हमें ध्यान रखना। अब देखो ये एकदम अलग है, जो प्रीवियस में भी नहीं था और कुछ भी नहीं था, लेकिन हाँ जो चीजों को समझता है तो वो आसानी से कर पाएगा। लेकिन ऐसे क्वेश्चनों को नहीं भी आए तो कोई घबराने का जरूरत नहीं है। पहली बात तो क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते ही आदमी फेडअप हो जाता है कि इतना बड़ा क्वेश्चन है और एग्जाम के प्रेशर में प्रॉपर पढ़ पाए नहीं पढ़ पाए, तो ऐसे क्वेश्चन को डबल गोला लगा के आगे बढ़ना था। A committee is of 3 women and 4 men is to be formed out of 8 women and 7 men. Mrs. Kajal refuses in serving a committee in which Mr. Y is a member. Yes, she is a member. देखो एक question है same है कि Mrs. X refuses to serve in a committee in which Mr. Y is a member. वही question है, केवल नाम दे दिए गए हैं और question same है, ठीक है। और देखो कितने लेने हैं, 8 women हैं और 7 men हैं। ये तो वुमन है और ये मैन है, और उनमें से लेना कितना है, 3 women लेना है और 4 men लेना है। अगर कोई कंडीशन नहीं होता तो आंसर क्या होता, हमारा आंसर होता 8C3 × 7C4, 8 में से 3 को लेना है, 7 में से 4 को लेना है। सी क्यों लगा रहा हूं, क्योंकि कमेटी बनाने में ऑर्डर का इंपॉर्टेंस ही नहीं है। ये टोटल नंबर ऑफ मेथड, और टोटल नंबर ऑफ मेथड में से, क्योंकि ये कह रहा है कि मिसेज काजल रिफ्यूजेस टू सर्व इन ए कमिटी इन विच मिस्टर यस इज ए मेंबर, तो इसका मतलब दोनों साथ में नहीं आएंगे, क्योंकि जिसमें काजल आएंगे उसमें यस नहीं आएंगे, यस आएंगे उसमें काजल नहीं आएंगे, या हो सकता है क्योंकि हमें लेने तो 3 और 4 ही, तो दोनों ही ना लें, तो इतने सब करने की बजाय दोनों साथ में आए, तो टोटल माइनस दोनों साथ में आए तो उसको सब्ट्रैक्ट कर दो तो आंसर आ जाएगा। तो देखो दोनों साथ में आएंगे तो लेने 8 में से 3 थे, लेकिन यहां से किसका पोजिशन फिक्स है, मिसेस काजल का, तो आप 8 में से 3 मत लो, और जिसका पोजीशन फिक्स होता है उसका बात नहीं करते, तो 8 में से 3 नहीं लेंगे, 7 में से कितना लेंगे, 2, और यहां पर भी 7 नहीं लेंगे, कितना लेंगे, 6 में से 3, और सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो देखो वही क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन किए हैं हमने तो हम आसानी से इनको बना पाएंगे भी। देखो 29 नंबर का क्वेश्चन, अब देखो 5th नंबर से 4 थे क्वेश्चन, अब 6th नंबर के चैप्टर से हम देख रहे हैं 3 क्वेश्चन है शायद ये। 9th and 19th टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 35 and 75 रेस्पेक्टिवली देन द 20th टर्म, तो बना लो भैया। 9th टर्म कौन सा होता है, a + 8d होता है, वो कितना है 35। 19th टर्म क्या होता है, a + 18d होता है, वो कितना दे रखा है 75, ठीक है। और हमें 20th टर्म चाहिए, तो 20th टर्म निकालोगे तो देखो 20th टर्म का मतलब या तो आप लिखो, नहीं तो देखो 19th टर्म हमें पता है, तो इसका 20th टर्म यानी इसके अगला वाला, तो d निकल जाए तो वो d उसमें ऐड कर देना, नहीं तो आप 20th टर्म में फॉर्मूले में लिख देना। तो करने का तरीका क्या है, देखो माइनस माइनस ये कैंसिल हो गया, तो ये 8 माइनस तो माइनस का 10d, और ये भी माइनस हुआ तो माइनस का 40, तो डी आ गया 4।
D4 आ गया तो आप देखो खुद समझ सकते हो कि अगर 19th टर्म जो है वो 75 है और 4 उसमें ऐड कर दूंगा जो कि उनका कॉमन डिफरेंस है दो कंजिकेटिव टर्म का, तो अगला वाला कौन सा होगा 79। तो 4 ऐड कर दिया हमने 75 में, तो ये कितना आ गया 79। नहीं तो आप ऐसे कर सकते थे, परेशान बिल्कुल नहीं होना कि 20 टर्म पूछा तो a प्लस 19 डी ये निकाल लो, तो d निकल गया, वैसे a भी निकाल लेते इन दोनों को सॉल्व करके, वो लग देना बस। आ गया बात समझ में? देखो ये हो गया हमारा 29। 30 नंबर देखो, हाउ मेनी नंबर बिटवीन 74 और दिस डिविजिबल बाय 5। देखो ये क्वेश्चन एग्जैक्ट वही है जो मॉड्यूल में है, तो मैंने आपको बता रखा जब भी काउंटिंग करनी है तो कैसे, पहले तो 5 से डिविजिबल नंबर, वेरी फर्स्ट नंबर 75, 80 एंड द लास्ट नंबर इज 2555। ठीक है, और जब भी आपको इनकी काउंटिंग करनी है तो मैंने आपको बताया था लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय द डिफरेंस प्लस 1, फॉर्मूला लगाना आ जाएगा। तो लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय द डिफरेंस प्लस 1, तो आप देखो लास्ट टर्म आ गया 2555, ठीक है, और माइनस 75 डिफरेंस जो है क्योंकि 5 का होगा, 5 से डिविजिबल है, और प्लस 1 तो कर देना तो आंसर आ जाएगा 5097। एग्जैक्ट वही क्वेश्चन है। अब देखो 31, फोर्थ टर्म, सेवेंथ टर्म, टेंथ टर्म ऑफ ए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आर पी क्यू आर रेस्पेक्टिवली देन। देखो ये थोड़ा सा ट्रिकी है लेकिन आपको पता चलेगा कि इसमें और इसमें डिफरेंस कितने का है 3 का, इसमें और इसमें डिफरेंस कितने का 3 का। तो अगर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होते हैं, मान लीजिए ए बी सी आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, तो मैंने आपको बताया है कि ए बी सी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, इसकी बजाय वो बोल देता पी क्यू आर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, तो आपको पता है क्या होता है, बीच वाले का स्क्वायर और आजू बाजू वाले का प्रोडक्ट, क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी आर, अगर ये जीपी में होते। लेकिन इसने बोला कि ये जीपी में कौन से हैं, फोर्थ सेवेंथ और टेंथ टर्म है, ठीक है, किसी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, तो सुन लेना अगर डिफरेंस सेम होता है, उनके बीच की दूरी सेम होती है, तो तीन टर्म है तो वो भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होंगे, ये रूल होता है भाई। और नहीं तो मैंने कहा था कि आप एग्जाम्पल फिट करके देख लेना, कोई भी एक जीपी ले लेते जैसे 2, 4, फिर उनके वो टर्म देखते तो आपको पता चल जाता कि उनके अंदर जो रिलेशन आएगा वो यही आएगा। अगर कोई चीज ऐसी हो तो कभी भी एग्जांपल फिट करके देख सकते हैं। तो देखो आंसर कौन सा हो गया इसका, सी, यानी कि लगातार टर्म हो या उन टर्म के बीच में डिफरेंस अगर बराबर का है तो भी वो जीपी में ही होंगे, ऐसा का ऐसा काम आपके एपी में होता है। तो इसको एग्जाम्पल से हम कर सकते थे। अब देखो देखो यहां पे अगर आप देखेंगे 32, ए सर्वे शोज दैट 74% ऑफ द कैनेडियन लाइक ग्रेप्स वेयर 68% लाइक बनाना, व्हाट परसेंट ऑफ द कैनेडियन लाइक बोथ ग्रेप्स एंड बनानास। तो देखो आपको वेन डायग्राम से इसको सॉल्व करना है, ये 74 है, ये कितना है 68 है, ठीक है, आपको पता है टोटल परसेंटेज कितना होता है, वो होता है 100। लेकिन आप अगर ये देखें कि ये टोटल तो 100 है लेकिन ये तो ज्यादा निकल रहा है, और ज्यादा निकल रहा है इसका मतलब ज्यादा क्यों है, ज्यादा इसलिए है क्योंकि इनमें कुछ कॉमन है, तो वो कॉमन पार्ट जो होता है वही ज्यादा होता है, तो आप इन दोनों का सम करेंगे तो वो आएगा 142, 74 प्लस 68 तो ये आ गया 142, और 100 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ गया 42%। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं, नहीं तो आप फॉर्मूला लगा के भी कर सकते हो, फॉर्मूला ठीक है, एन ए यूनियन बी, और वो होता है एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। आपको ये वाला पार्ट निकालना था, आपके पास में ये है कितना है भैया 74, ये है आपका कितना 68, ये वाला आपको निकालना है, ठीक है, और आपको ये भी पता है कि टोटल परसेंटेज कितना होता है 100, लिखेगा नहीं भैया टोटल परसेंटेज कितना, क्योंकि परसेंट में डेटा है तो टोटल परसेंट 100 होता है, ठीक है, तो ये इसको करेंगे तो ये आ जाएगा। तो दोनों तरीके से कैसे भी कर सकते हो। अब देखो यहां पे देखोगे तो ए बी सी दे रखा है, तो ए माइनस बी इंटू बी इंटरसेक्शन सी,
ए माइनस सॉरी ए माइनस बी, देखो ए माइनस बी का मतलब होता है ए में से जब मैं बी को सब्ट्रैक्ट करूं तो ए के बचे हुए, तो देखो बी के सब्ट्रैक्ट हो गया, सी सब्ट्रैक्ट हो गया, तो क्या बचा ए का, ए का तो बचा ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, और बी और सी में कॉमन ढूंढो, इंटरसेक्शन का मतलब पहले ब्रैकेट सॉल्व होते हैं, तो ये पहले ब्रैकेट वाला फिर ये ब्रैकेट वाला, तो बी इंटरसेक्शन सी, तो इनमें कॉमन ढूंढा, तो देखो इसमें एक तो कॉमन है सी और एक कॉमन है डी, ठीक है, तो ये सी और डी, और इनका क्या करना है, हमें क्रॉस प्रोडक्ट करना है, कार्टेजियन प्रोडक्ट करना है, तो ए सी से मल्टीप्लाई होगा स्मॉल ब्रैकेट में और फिर ए डी से मल्टीप्लाई होगा स्मॉल ब्रैकेट में और क्लोज इन कर्ली ब्रैकेट, तो आंसर आपको दिखेगा बी, क्लियर। तो देखो ये तो वही क्वेश्चन थे जो नॉर्मली हमने मॉड्यूल में पढ़े, सेम डेटा के साथ नहीं है, अलग हैं। देखो 34 35 देखो दोनों क्वेश्चन फंक्शन के हैं, इससे पहले वाले दोनों क्वेश्चन जो थे वो सेट्स के थे, एन टू आर में हो रहा है और एफ इनवर्स एक्स निकालना है, तो देखो इनवर्स फंक्शन निकालना मैंने आपको बताया था भैया, देखो तो हम पहले तो इनवर्स फंक्शन निकालेंगे तो थ्री स्टेप में वर्क करते हैं, तो पहले तो जो एफ एक्स है जी एक्स है उसको हमने क्या लिख दिया वाई, वाई इक्वल्स टू 4x plus 3, ये हमने लिख दिया, उसके बाद में पहला स्टेप हो गया, दूसरा स्टेप क्या होगा कि x equals to something लेना, तो ये इधर लिया है 4x plus 3 equals to y, then 4x equals to y minus 3, then x equals to y minus 3 upon 4, ठीक है, सेकेंड स्टेप हो गया, थर्ड स्टेप क्या होता है कि जहां जहां y है राइट साइड में उसको x लिख दो, तो x minus 3 upon 4, तो आंसर कौन सा हो गया x माइनस 3 अपॉन 4, तो तीन स्टेप हैं, सबको पता है कि पहले तो जो नेम होते हैं एफ एक्स जी एक्स और एच एक्स उनको हम क्या लिख देते हैं y, पहले से y होगा तो y लिखने का जरूरत नहीं, फिर लेफ्ट साइड में क्या बनाते हैं भैया x, और सारी चीजें किधर लेके जाते हैं राइट साइड में, तो ये ले गए, और फिर हम ये करने के बाद में हमने लेफ्ट में बना लिया, और ये तो जहां जहां y है वहां क्या लिख देते हैं x, तो ये आ गया, तीन स्टेप होते हैं। 35 नंबर देखो कि रिलेशन आर दिस दिस ऑन द सेट दिस द मिनिमम नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर व्हिच व्हेन एडेड टू आर मेक इक्विवेलेंस रिलेशन, देखो ये दो दे रखे हैं तो 1 2 3 है और सेट भी 1 2 3 है, तो आप टोटल नंबर ऑफ रिलेशन अगर देखेंगे, अगर तीन सेट हैं 1 2 3 और 1 2 3 का रिलेशन 1 2 3 के साथ में देख रहे हैं, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन इक्विवेलेंस के लिए बनेंगे 3 × 3, ये थ्री एलिमेंट इसमें, थ्री एलिमेंट इसमें 9, और दो इन्होंने पहले से ही दे रखे हैं, तो ये कह रहा है कि और कितने ऐड करने पड़ेंगे, तो ये टोटल 9 माइनस दो पहले से ही दे रखे हैं, तो कितने ऐड करने पड़ेंगे 7 इक्विवेलेंस के लिए, ठीक है, तो ये चीज है। यहां देखिएगा 36 नंबर का रिलेशन का है और फिर ये डिफरेंशिएशन का है, चलो इसी के साथ मैं ले लेता हूं, मैं देखो 36 नंबर आर बी ए रिलेशन डिफाइंड ऑन द सेट नेचुरल नंबर एक्स आर वाई एक्स माइनस वाई इज डिवाइडेड बाय 5, एक्स माइनस वाई जो है वो डिवाइडेड बाय 5 होना चाहिए, ठीक है, तो ये कैसा रिलेशन है, तो देखो पहले देखते हैं रिफ्लेक्सिव है क्या, रिफ्लेक्सिव में हम कोई एलिमेंट लेंगे तो उस एलिमेंट का रिलेशन उसी एलिमेंट के साथ में देखना पड़ेगा, तो मैंने ले लिया मान लीजिए 5 और मैं 5 क्योंकि मुझे ये रिलेशन को देखना है कि डिविजिबल बाई 5 है क्या, तो 5 लिया तो 5 का रिलेशन 5 के साथ में देखना पड़ेगा, 5 माइनस 5 कितना आ गया 0, क्या 0 5 से डिविजिबल है, यस क्योंकि 0 ही आता है, 0 पॉइंट समथिंग नहीं आता, डिविजिबल है भैया, अगर मैं 10 लेता तो 10 माइनस 10, 10 का रिलेशन 10 के साथ में देखना पड़ता और ये 0 आता और 5 से, तो यस डिविजिबल होता, पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है भैया, तो इसका मतलब रिफ्लेक्सिव तो है, सिमेट्रिक
सिमेट्रिक में पहला रिलेशन हम ट्रू लेते हैं, तो मैंने ले लिया टेन इज डिवाइडेड बाई फाइव, ये ट्रू लिया। फिर मुझे देखना है कि देन नहीं माइनस वाला था ना, सॉरी, तो मैंने लिया टेन माइनस फाइव डिवाइडेड बाई फाइव, तो ये ट्रू हो गया। ट्रू है, देखो कितना आया, वन आ गया। अच्छा फिर मुझे उल्टा करना है, रिवर्स, तो 10 माइनस फाइव को क्या लिखना था, 5 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 5, यस, तो ये कितना आ गया, माइनस वन आ गया, कर रहा है। अगर मैं इसकी जगह कुछ और लिखता, मान लीजिए 15 माइनस में लिखता 10 डिवाइडेड बाई 5, यस, और फिर मैं लिखता 10 माइनस 15 डिवाइडेड बाई 5, तो यस, यहाँ भी वन आता और ये तो डिवाइड कर रहा है। अगर रिवर्स कर देते हैं इनको तो ये कर रहा है। तो पहला हम ट्रू लेते हैं, जो ट्रू लेते हैं उसी को इंटरचेंज करके करते हैं, तो सिमेट्रिक भी है। ट्रांजिटिव में देखेंगे तो ट्रांजिटिव में पहला भी ट्रू, क्या कि पहले मैंने लिया, मान लीजिए मैंने लिख दिया 20 माइनस 15 डिवाइडेड बाई 5, ये ट्रू लिया, ठीक है, और 15 से एंड हुआ तो 15 से ही 15 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 5, ये भी मैंने ट्रू लिया, ठीक है। अब मुझे दिखना है कि 20 और 10 में रिलेशन देखना है, तो 20 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 5, तो बताओ होता है क्या, अरे यस होता है, होता है। तो इसका मतलब ये कैसा हो गया, इक्वेलेंस हो गया। तीनों होते हैं रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, तो ऐसे रिलेशन क्या कहलाते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाते हैं, ठीक है। तो ये बात समझ में आनी चाहिए भैया। तो ये तो हो गया हमारा 36। 37 में देखो स्लोप ऑफ कर्व निकालना है, स्लोप निकालना है और ये हमें दे रखा है, तो स्लोप का मतलब dy by dx, और इसका dy by dx निकालूंगा तो देखो कितना आएगा, इसका dy by dx आ रहा है -2x, ठीक है, ये आ गया इसका स्लोप। लेकिन किस पे निकालना है, एट द रेट ऑफ 3 यूनिट पर सेकेंड, तो 3 यूनिट पर सेकेंड अगर x की जगह 3 लिखूंगा तो ये आ गया -6, यानी कि माइनस ये इंडिकेट कर रहा है कि वो डिक्रीज होगा किस से, 6 यूनिट्स पर सेकेंड से, दैट्स ऑल, यही आंसर है। आगे बात समझ में, देखो थर्टी नाइन, चलो देखो यहां दे रखा है 38 में एक्स वाई इक्वल टू वन, तो वाई स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स, तो एक्स वाई इक्वल टू वन है, तो देखो फर्स्ट इंटू सेकेंड से सॉल्व होगा, इसका डिफरेंशिएशन करना है क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स की बात कर रहा है, तो फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड, तो इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो कितना आएगा, वन ही आएगा, लेकिन एक बोनस लगेगा डी वाई डी एक्स ऑफ वाई प्लस सेकेंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, ठीक है, और वन का करूंगा तो जीरो। लेकिन हमसे ये नहीं पूछा है भैया, हमसे पूछा है, देखो हमसे फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। हमसे पूछा है वाई स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स, तो वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, तो हमें ये देखो कि वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, इसको वाई से मल्टीप्लाई कर दें तो वाई स्क्वायर बन जाएगा, तो अब वाई से मल्टीप्लाई कर दो सबको, तो वाई एक्स डी वाई बाई डी एक्स, y से मल्टीप्लाई किया तो y स्क्वायर, लेकिन ये जीरो ही रहेगा। और अब आप देखेंगे तो ये xy कितना है, 1, और ये 1 हो गया, तो बताओ ये 1 हो गया तो ये dy by dx plus y स्क्वायर कितना आ गया, जीरो आ गया, तो कितना आंसर हो गया, जीरो, ठीक है। तो ये हमें समझ में आ गया भैया, इस तरीके से लाना था क्योंकि उस फॉर्मेट में सेट करना था, तो हमने y से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बन गया, तो ये xy 1 हो गया, तो 1 लिख दिया, और यहां पे बस यहां ये थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, और तरीके बहुत सारे हैं। अब देखो y इक्वल टू दिस दे रखा है, हमें dy by dx नहीं पूछा, हमसे dx by dy पूछा है, तो जब भी ऐसा उल्टा पूछे ना, तो पहले जैसे ये y इक्वल टू दिस है तो इसको x इक्वल टू दिस बना लो, फिर उसका डिफरेंशिएशन करो, समझ में आएगा कि उल्टा पूछ रहा है भैया, dx by dy, dy by dx नहीं पूछ रहा है,
ठीक है, एक्स के रेस्पेक्ट में नहीं करना, वाई के रेस्पेक्ट में। और वाई के रेस्पेक्ट में करना हो तो इसको ऐसे, तो ट्रिकी क्वेश्चन है थोड़ा सा, तो एक्स अपॉन एक्स प्लस फाइव, और इसको पहले जैसे y इक्वल टू है वैसे x इक्वल टू बनाओ, तो उसके लिए वही क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो एक्स वाई प्लस वाई को 5 से किया, 5 वाई इक्वल टू x, ठीक है। अब हमें इधर x बनाना है, तो जितने भी x के टर्म है वो इधर लेके आओ, बाकी बिना x वाले उधर लेके आओ। साइन दिक्कत देते हैं, सबके साइन बदल लो, तो x माइनस एक्स वाई इक्वल टू 5 वाई, ये प्लस का बना दिया, ये माइनस का बना दिया, ये प्लस का बना दिया। अब यहां से कॉमन ले लो x, तो ये आ गया 1 माइनस वाई इक्वल टू 5y, ठीक है। अब x इक्वल टू देखो कितना आ गया, 5y अपॉन 1 माइनस वाई, ये आ गया। अब ये x इक्वल टू आ गया, अब इसको आप डिफरेंशिएशन करो, अब डिफरेंशिएशन करो इसका, क्योंकि अब y के रेस्पेक्ट में करना है तो वैसे के वैसे हो जाएगा, नहीं तो दिक्कत होगा। तो बेटर होता है कि पहले इसको चेंज कर ले। अब ये कर लिया, तो अब देखो फर्स्ट अपॉन सेकेंड से कर लो, तो 5y 1 माइनस वाई फर्स्ट अपॉन सेकेंड करेंगे, तो ये फर्स्ट ये सेकेंड, तो फर्स्ट अपॉन सेकेंड क्या होता है, सेकेंड का स्क्वायर, तो इसका तो स्क्वायर, और सेकंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, तो इसका करेंगे तो 5 माइनस फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, तो माइनस 1, ठीक है। और ये कितना आ गया, 5 माइनस 5 वाई माइनस माइनस प्लस 5 वाई अपॉन 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो आपको दिखाई देगा कि ये जो आ रहा है वो देखो 5y से 5y कैंसिल, तो 5 अपॉन 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर, 5 अपॉन 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर, ये आंसर हो गया, ठीक है। तो देखो 39 क्वेश्चन तक हमने करे, एक क्वेश्चन मैथ्स का और बचा है, उसको हम देखते हैं। यहां पे अगर आप देखेंगे, तो इसमें x माइनस 1 के अलावा जहां जहां x है वहां पे 1 पुट कर दो, ठीक है। यानी कि x माइनस 1 है तो इक्वल टू 0 रखेंगे, x इक्वल टू 1 आएगा तो वो आप इसके अलावा वहां पुट कर दो। तो ये देखो 1 माइनस 2 करेंगे तो 1 अपॉन 1 माइनस 2, ये माइनस 1 आ गया, प्लस x माइनस 2 के ऊपर क्या आएगा ये पता करना है, तो आप क्या करो कि जहां जहां x है वहां 2 पुट कर दो, तो 2 माइनस 1 1, 1 अपॉन 1, तो 1 आ गया, ठीक है। अब ये पार्शियल फ्रैक्शन तो इनके हो गए, तो इसका तो होता है लॉग x माइनस 2, ठीक है, इसका होगा माइनस, तो इसका तो ये और इसका ये देखो माइनस में लिख दिया लॉग x माइनस 1, ठीक है, और प्लस सी, और ये माइनस में है तो ऐसे लिख सकते हैं लॉग एक्स माइनस टू एक्स माइनस वन प्लस सी, राइट आंसर इज ए, ठीक है। ये मैं खुद करवाता हूँ ये क्वेश्चन, भाई मैंने बोला है कि कम से कम वो आप एक बार की अगर ये देख लेंगे, मेरे लेक्चर देख लेंगे, करते नहीं करते ये अलग चीज है, तो भी आप कर सकते हो। तो देखो पूरे 40 क्वेश्चन में से दो ये तीन क्वेश्चन बा मुश्किल ऐसे निकले जो लीक से हटके हो सकते हैं, बाकी दो ही थे, रादर एक ही था, तो फिर भी हम दो मान लेते हैं। देखो ये तो आपका कंप्लीट हो गया है मैथ्स, ठीक है। अब आप इसमें रीजनिंग में देखेंगे तो रीजनिंग में भी वही क्वेश्चन आए हैं भैया, आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वही क्वेश्चन है, थोड़े से चेंजेशन के साथ में है, दिमाग को शांत रखना पड़ता और कुछ नहीं। देखो 41 में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको मैंने ये बताया है, तो Q1F S2E U6D W21C और नेक्स्ट क्या होगा, तो आप देखो Q जो है, क्योंकि ये पोजीशन, क्योंकि हमें तो सीरीज है, तो फर्स्ट का फर्स्ट से सेकंड का सेकंड से, यानी इसका 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 रिलेशन देखेंगे। Q का पोजीशन 17, S का 19, U का 21 और ये 23, तो आपको दिख रहा है कि 17, 19 प्लस 2 चल रहा है, ठीक है। तो इस बार 25 आएगा, 25 पे कौन सा होता है, Y, तो इसका मतलब यहाँ Y होगा, ठीक है।
फिर देखो वाई में ये तीन दिख रहे हैं, तो फिर देखना पड़ेगा। अच्छा इसको देखेंगे तो वन, फिर टू, फिर सिक्स, 21। तो देखो यहां पे जो आ रहा है वो आ रहा है वन, हाँ ये तो है ही पहले से, क्योंकि यहां से यहां तक जा रहा है ये आ रहा है वन इंटू वन प्लस वन, ठीक है। यहां देखोगे तो ये आ रहा है टू इंटू टू प्लस टू, ठीक है। फिर यहां से यहां जा रहा है तो ये आ रहा है, क्योंकि सिक्स आ गया, देखो ये आया फिर ये आया तो टू से करा, अब सिक्स आया तो सिक्स इंटू थ्री प्लस थ्री, ठीक है। सिक्स थ्री जाए एटीन प्लस थ्री ट्वेंटी वन, अब ट्वेंटी वन आया तो अब बताओ क्या करोगे, ट्वेंटी वन इंटू फोर प्लस फोर, ठीक है। तो ये देखो ये आ जाएगा 88, कितना आ गया 88, तो यहाँ 88 आ गया, ठीक है। अब चीजें जो थी कि मल्टीप्लाई क्यों किया, ये तो आपको खुद को समझ में आना चाहिए कि भैया ये यहाँ पे इससे डबल से भी ज्यादा और इससे अगला वाला डबल से भी ज्यादा, तो मल्टीप्लाई होगा, डायरेक्ट होगा, नहीं तो कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा, तो बस वही कंसेप्ट हमने लगाया है, ठीक है। ऐसे ही इसको देखेंगे तो ये एफ ई डी सी, तो इनको देखना है, तो एफ का कौन सा होता है, सिक्स होता है, फाइव होता है, फोर होता है, थ्री होता है, तो आप टू वाला लिखेंगे, टू का मतलब डी, ठीक है। तो ये आंसर हो गया सी। अब देखो यहां पे ऑड मैन आउट, देखो ये दिखने में क्योंकि अजीब सा दिखेगा, क्योंकि पहले कम हुआ फिर कम हो गया फिर बढ़ गया फिर बढ़ गया फिर कम हो गया, और कभी बढ़े कभी कम हो, तो इसका मतलब मिक्स सीरीज, तो लेकिन मिक्स को चेक करेंगे तो नहीं होगा, तो इसका मतलब ये मिसलेनियस, और मिसलेनियस में मैंने कहा था किस तरीके से करते हैं। तो यहां जो कंसेप्ट आया वो क्या, इन सबका सम करो 10 है, 10 है, 10 है, सम ऑफ डिजिट करो, सबका सम 10 आ रहा है, ठीक है। और आप इसमें करेंगे 4, 3, 7, 2, 9, तो इसका 9 आ रहा है सम, बाकी सबका सम जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, 10 आ रहा है, ठीक है। इसका 9 आ रहा है, ये भी 10 है, ये भी 10 है, तो इसका मतलब अलग कौन सा हो गया ये, तो मिसलेनियस पे पहुंच गए, तो फिर आपको एक से दूसरे में रिलेशन नहीं देखना, आपस में ही रिलेशन देखना होता है, लेकिन पहचान होना जरूरी है भाई। अब देखो देखो ये क्वेश्चन भी जो है वो आपके मॉड्यूल में ही है, ठीक है। इसमें अगर आप देखोगे इसको ध्यान से, तो आपको पता चलेगा कि ये यहां से लेके यहां तक तो ये ऐसे बदले हुए हैं, ई एन को एन ई लिख दिया, फिर टी आई को आई टी लिख दिया, ओ एन को एन ओ लिख दिया, तो जंबल ही चेक करते हैं, तो बस वही चीज हमें इसको करनी है, तो ये वाले एक को छोड़ के। लेकिन इससे इसमें और इसमें क्या फर्क है, इसका पोजीशन 13 है और इसका पोजीशन 12 है, तो यानी माइनस वन करना है, तो पी से माइनस वन करूंगा तो पी 16 होता है, माइनस वन करूंगा तो कितना आएगा ओ, और बाकी आप इनको देखेंगे तो ई आर ई एस टी एन, तो ये वाला हो गया, ठीक है। इसमें ऑड मैन आउट देखना है, आउट ऑफ द फॉलोइंग 41, 43, 47, 53, 61, 71, तो आपको पता चलेगा 95 जो है ऑड मैन आउट है, क्योंकि ये सारे के सारे हमें ये दिखाई दे रहे हैं कि ये सब प्राइम नंबर है, ठीक है। ऑड नंबर तो ये भी है 95, ऑड मत सोचना, प्राइम नंबर है। अब देखो द नंबर इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो यहां पे देखो मैंने आपको बताया कि एक तो ये जो है वो इसका डबल भी नहीं होगा, क्योंकि यहां 300 समथिंग आ रहा है, डबल भी नहीं है, तो डिफरेंस देख के भी आप निकाल सकते हैं, लेकिन मैंने कहा था थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो आप 125 के आसपास वालों को पकड़े, तो आपको दिखाई देगा, तो यानी कि अभी देखो जैसे ही आप 125 और 25 वाले के आसपास को पकड़ेंगे तो आपको दिख जाएगा ये 64 का माइनस वन हो रहा है, ये 216 का माइनस वन हो रहा है, ये 125 का माइनस वन हो रहा है, ये सारे क्यूब चल रहे हैं, ठीक है। और ये क्यूब का माइनस वन हो रहा है, तो आप देखो ये हो क्या रहा है, ये आ रहा है 2 का क्यूब माइनस वन, ये कितना आ रहा है 3 का क्यूब माइनस वन, ये आ रहा है 4 का क्यूब माइनस वन, ठीक है। तो ऐसे ही ये 5 का 6 का, तो ये 7 का क्यूब माइनस वन होगा, तो यानी कि 342 होगा, क्लियर।
देखो इनमें कोई ऐसा क्वेश्चन है नहीं जो आप कर नहीं सकते हो। मतलब रीजनिंग में आपको कुछ चीजें जो है वो थोड़ा सा विचलित कर सकती है, जैसे सीरीज, ठीक है ना, लेकिन प्रैक्टिस के साथ में आप जल्दी कर सकते हो उसको, लेकिन प्रैक्टिस नहीं है तो फिर दिक्कत आएगा फिर। देखो 46 नंबर, सुनीता वॉक इन डिस्टेंस ऑफ 2 किलोमीटर टूवर्ड ईस्ट, ईस्ट इधर 2 किलोमीटर, ठीक है, देन टर्न लेफ्ट, लेफ्ट टर्न कर गया तो लेफ्ट का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, और वो कितना चला, 1। तो देखो 2 से छोटा हमने 1 बनाया, देन टर्न लेफ्ट एंड मूव 2 किलोमीटर, फिर से लेफ्ट टर्न किया और 2 किलोमीटर चला, तो देखो ये हमने चला दिया 2 किलोमीटर, ठीक है, मूव 1 किलोमीटर लेफ्ट अगेन एंड मूव 1 किलोमीटर, ठीक है, फिर लेफ्ट करा और 1 किलोमीटर, तो ये हमने चला दिया, ठीक है, ये हमने चलाया। अब ये कह रहे हैं एट व्हाट डिस्टेंस सुनीता इज नाउ फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, तो देखो स्टार्टिंग पॉइंट भी यही है, एंड पॉइंट भी यही है, तो डिस्टेंस कितना आ गया, 0 आ गया, सिंपल सा क्वेश्चन। देखो 47 नंबर, दीपिका स्टार्टेड वॉकिंग स्ट्रेट टूवर्ड ईस्ट, इसकी तरफ चलना स्टार्ट किया आफ्टर वॉकिंग 65 मीटर, तो ये देखो 65 मीटर, तो ये 65 मीटर हमने बना दिया। शी टर्न टू द लेफ्ट, लेफ्ट में टर्न किया, वॉक 25, तो ये हमने 25 जो है वो इससे कम बनाया, ये 25, ठीक है, अगेन शी टर्न टू द लेफ्ट, लेफ्ट में टर्न किया एंड वॉक इन डिस्टेंस ऑफ 40 मीटर, तो 40, ये 65 है तो 40 हमने थोड़ा सा इससे कम बनाया, ये 40। एट व्हाट डिस्टेंस एंड इन विच डायरेक्शन करंटली सीज फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट, देखो इनिशियल पॉइंट ये है, एंड पॉइंट ये है, और ये किस डायरेक्शन में है, तो आप देखो डायरेक्शन खुद आप देख सकते हो कि ये वाला जो डायरेक्शन होता है ये नॉर्थ होता है, ये ईस्ट होता है, ये कौन सा हो गया, नॉर्थ ईस्ट, तो नॉर्थ ईस्ट का आंसर केवल एक ही है तो आप लगा सकते हो। लेकिन अगर मान लीजिए आपसे डिस्टेंस पूछी है, आपसे डिस्टेंस पूछी है, तो आपको ये डिस्टेंस निकालनी है, तो आप निकाल भी सकते हो डिस्टेंस भी, क्योंकि ये 40 है तो ये 40 हो गया, लेकिन ये टोटल 65 था तो ये 25, अच्छा ये भी 25, तो आप क्या करोगे, ये डिस्टेंस निकालना है तो इसका स्क्वायर और रूट, यानी कि 625 और 625 और उसका रूट, इसका स्क्वायर और रूट, तो ये क्योंकि सबसे बड़ी वाली साइड होती है तो ये आप करेंगे तो ये आ जाएगा 35.35, ठीक है, बाकी जब नॉर्थ ईस्ट दो में होता, नहीं तो अदरवाइज ये भी करने का जरूरत नहीं है भैया। डायरेक्ट डिस्टेंस जो होता है वो पाइथागोरस थ्योरम से निकलता है, या मैंने कहा था कि मैक्सिमम डेटा 345 में होगा, लेकिन 345 में नहीं था, लेकिन हमारा काम तो उससे ही चल रहा है। देखो फोर्टी नंबर, मिस्टर कार्तिक पुट हिज टाइम पीस ऑन द टेबल इन सच ए वे दैट द 6 PM आवर्स एंड पॉइंट टू नॉर्थ, देखो बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो PYQ में है, ऐसे 6 बजे शाम को 6 बजते हैं तो आवर एंड तो इधर होगा और मिनट हैंड इधर होगा, तो ये कह रहा है आवर हैंड पॉइंट इन नॉर्थ, ये आवर हैंड है, बताओ नॉर्थ कर रहा है क्या, ये नॉर्थ थोड़ी है, एक्चुअल में ये कौन सा होता है, साउथ होता है, यानी कि ये बता रहा है नॉर्थ लेकिन है ये साउथ, यानी कि कितने डिग्री का फर्क आ रहा है, 180 डिग्री का फर्क आ रहा है, तो बस जो भी पूछेगा उसको 180 डिग्री से हम चेंज कर देंगे, क्योंकि ये नॉर्थ होता है ये साउथ होता है, लेकिन इस वाले को वो नॉर्थ बता रहा है तो इस तक मूव करने के लिए 180 डिग्री का फर्क आ रहा है, वो चाहे क्लॉकवाइज करें चाहे एंटी क्लॉकवाइज करें, तो जो भी पूछेगा उसको उसी तरीके से कर देंगे। तो देखो उसने क्या पूछा, इन विच डायरेक्शन द मिनट हैंड विल पॉइंट एट 9:15 PM, तो पहले तो 9:15 का बनाओ, तो 9:15 का मतलब हो गया ये 3, तो ये 9, तो ये हो गया 9:15 का मतलब ये वाला, अब किसका पूछा है, मिनट हैंड पूछा है क्या, मिनट हैंड पूछा है, तो मिनट हैंड ये है, तो बताओ ये जो है ईस्ट को कर रहा है तो हमें क्या करना होगा, इसको भी 180 घुमाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, वेस्ट, ठीक है, एक्चुअल में ईस्ट होता है लेकिन क्योंकि 180 डिग्री से घूमेगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज दोनों से एक ही जैसा आता है, तो इसलिए वेस्ट हो गया, ठीक है। अब देखो 49 नंबर का क्वेश्चन,
49 नंबर में श्रीकांत इज फेसिंग ईस्ट एंड टर्न 120 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड देन टर्न 180 डिग्री इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. विच डायरेक्शन इज श्रीकांत फेसिंग नाउ? तो देखो मैंने बता रखा है कि जितने क्लॉकवाइज हो उनको ऐड कर दो, जितने एंटी क्लॉकवाइज हो उनको ऐड कर दो, और क्लॉकवाइज में से एंटी क्लॉकवाइज को आप सबट्रैक्ट कर दो. तो इसमें एक एक ही है, तो बताओ अब इनको सबट्रैक्ट करेंगे तो ये आ गया 60 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज. तो जो भी डायरेक्शन है उसको हम 60 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमा देंगे. माइनस करने पर 60 आया, लेकिन वो डायरेक्शन लिखते हैं जो ज्यादा बड़ा है, तो एंटी क्लॉकवाइज बड़ा है तो एंटी क्लॉकवाइज. तो 60 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज पहले किधर था भैया? ईस्ट में था. तो जो फेस ईस्ट में करेगा और 60 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये देखो 60 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया तो ये डायरेक्शन आएगा, और ये वाली डायरेक्शन जो होती है वो क्या कहलाती है? नॉर्थ ईस्ट. ठीक है, तो सिंपल से क्वेश्चन है अभी 50. फाइव बॉयज ए बी सी डी ई आर सिटिंग इन ए पार्क. ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसा था भैया हमारे मॉड्यूल में, लेकिन उसमें नाम लिख दिए गए और कुछ नहीं, सेम क्वेश्चन है अभी. अजय इज फेसिंग साउथ वेस्ट. अजय इज साउथ वेस्ट, तो देखो हम पहले तो ये बना लेते हैं चार डायरेक्शन, और साउथ वेस्ट जो होता है वो ये होता है, तो अजय जो होगा वो यहाँ होगा. देखो तो अजय जो होगा वो साउथ वेस्ट को, क्योंकि सेंटर की तरफ देख रहे हैं भैया, फेसिंग सेंटर है. ठीक है, और ये साउथ वेस्ट है तो ये साउथ वेस्ट, अजय इज फेसिंग साउथ वेस्ट. धीरज इज फेसिंग साउथ ईस्ट. साउथ ईस्ट आपको पता है ये वाला होता है, तो धीरज जो होगा वो यहाँ होगा, और ये यहाँ से तो इधर साउथ और ईस्ट में देखेगा साउथ ईस्ट. ब्रिजमॉन एंड एहसान आर राइट अपोजिट अजय एंड धीरज. तो अजय के तो राइट अपोजिट है बी. ठीक है, और धीरज जो है वो एहसान के राइट अपोजिट है, तो एहसान यहां बना दिया हमने. ठीक है, राइट अपोजिट है, रेस्पेक्टिवली है, इसका मतलब पहले वाला पहले वाले के और दूसरा वाला दूसरे वाले के. ठीक है, तो अजय और ब्रिजमॉन हो गया, और ये एहसान और धीरज हो गया. ठीक है, ये हमने बना दिया. फिर इसने बोला चंद्रू इज इक्विडिस्टेंट बिटवीन धीरज एंड ब्रिजमॉन. तो धीरज और ब्रिजमॉन के बीच में ये चंद्रू हमने बना दिया. एग्जैक्ट बीच में बोला विच डायरेक्शन इज चंद्रू फेसिंग. तो चंद्रू कौन सी डायरेक्शन फेस कर रहा है तो पता चलेगा इस डायरेक्शन फेस कर रहा है. तो देखो ये एबीसीडी के नाम से था हमारे, और वही क्वेश्चन सेम आ गया है अभी. ठीक है, देखो लास्ट 10 क्वेश्चन देखिएगा आप, तो आपको पता चलेगा इस पूरे ही मॉड्यूल, मतलब जो पेपर आया उसके अंदर अगर आप PYQ करते हैं और मॉड्यूल करते हैं तो उससे बाहर कुछ भी नहीं है भैया. 2-4-5 क्वेश्चन अगर अलग हो भी गए तो उनसे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता. ठीक है ना, क्योंकि हम तो पहले तो पास होने के लिए ट्राई करते हैं ना, बाद में जब इतने बन जाते हैं तो वो 4-5 क्वेश्चन भी हम कर पाते हैं. देखो नीलम हु इज दीपक्स डॉटर. नीलम, तो नीलम हमने बना दिया, और ये किसकी डॉटर है भाई? दीपक की, तो ये दीपक हमने बना दिया. सेज टू दीपिका, नीलम हु इज दीपक डॉटर सेज टू दीपिका. नीलम बोल रही है दीपिका से, क्या बोल रही है भैया? दीपिका से बोल रही है कि योर मदर इन लॉ. तो इसकी मदर इन लॉ बनाने के लिए पहले इसके हस्बैंड बनाने पड़ेंगे हमको, और इनके हस्बैंड की एक मदर बनानी पड़ेगी, और जिसका नाम हमें रेखा रखना पड़ेगा. तो देखो अब ये हस्बैंड की मदर हो गई, तो ये जो रेखा है वो इसकी मदर इन लॉ हो गई. तो योर मदर इन लॉ रेखा इज यंगर डॉटर. ये यंगर डॉटर है, डॉटर है किसकी है भैया? ऑफ रामलाल. तो रामलाल की है, तो रामलाल इसके पिता बना दिए हमने, रामलाल रामलाल इसके फादर बना दिए हमने. ठीक है, हु इज माई ग्रैंड फादर. इसके ग्रैंड फादर हैं भैया, और इसके ग्रैंड फादर हैं, तो आप खुद देखो कि इनको यहां पे रखें तो रामलाल ग्रैंड फादर हैं, तो रामलाल का बेटा हो गया दीपक. ठीक है, और दीपक की बेटी हो गई नीलम. अब बताओ ग्रैंड फादर है या नहीं है? बिल्कुल है ग्रैंड फादर. ठीक है, तो ये देखो नीलम के ग्रैंड फादर हो गए. अब इसने क्या पूछा है उसको देखना हमें,
इसने पूछा है हाउ नीलम इज रिलेटेड टू दीपिका, नीलम जो है वो दीपिका से कैसे रिलेटेड। देखो आपको पता चलेगा रामलाल इसका भी फादर है, रामलाल इसका भी फादर है, ठीक है। और अगर इसका और इसका फादर है तो ये कौन हो गए भैया, बहन भाई हो गए। और ये बहन का, ये बहन की बेटी हो गई। और ये तो, ये देखो आपस में जब आप रिलेशन देखेंगे तो ये जो है इसकी वाइफ है, ठीक है। ये यहाँ पे आप देखेंगे ये बहन की बहू है, बेटी नहीं है, यहाँ पे ये बेटा है। तो आप ये देखो कि ये तो हुआ भाई, लेकिन ये भाई की वाइफ है तो ये क्या हो गई, भाभी हो गई, ठीक है। ऐसे ही इसको, लेकिन इंग्लिश में दोनों को ही हम देखें तो सिस्टर इन लॉ बोलते हैं। तो उसने पूछा है हाउ नीलम इज रिलेटेड टू दीपिका, तो नीलम इज सिस्टर इन लॉ ऑफ दीपिका। ये जो है ये भाभी है तो ये उसकी ननद होगी, तो ननद को भी सिस्टर इन लॉ बोलते हैं, और जो भाभी होती है उसको भी सिस्टर इन लॉ बोलते हैं। तो यहां पे आप देखो कि आंसर ये होगा, ठीक है। ऐसे ही अगर आप ये क्वेश्चन देखेंगे पी क्यू आर एस टी यू आर सिक्स मेंबर ऑफ ए फैमिली इन विच देर आर टू मैरिड कपल, टी ए टीचर इज मैरिड टू ए डॉक्टर हु इज मदर ऑफ आर एंड यू, क्यू द लॉयर इज मैरिड टू पी। ये देखो आपने सबने क्वेश्चन देख रखा है, ठीक है। और ये क्वेश्चन मॉड्यूल का ही है, लेकिन उसमें पूछा जाता है फीमेल के लिए, ठीक है। और वो फीमेल तो क्या थी, स्टूडेंट, लेकिन इसमें जो मेल पूछा गया है वो क्या हो गया, इंजीनियर, ठीक है। क्वेश्चन आपने देख ही रखा है, आप चाहो तो मैं आपको दिखा देता हूं इसका आंसर जो है, अगर आप निकालना चाहते हैं तो आंसर कैसे आएगा आप देख सकते हैं। देखो यहां पे पी क्यू आर एस टी यू आर सिक्स मेंबर ऑफ ए फैमिली इन विच देर आर टू मैरिड कपल, ठीक है। टी ए टीचर इज मैरिड टू ए डॉक्टर, दो मैरिड कपल है, ध्यान रखना। टी जो है वो एक टीचर है और उसने जो शादी करी है मैरिड टू ए डॉक्टर, डॉक्टर से करी है। हु इज मदर ऑफ आर एंड यू, और ये जो डॉक्टर है ये मदर है किसकी, आर और यू की, ठीक है। क्यू द लॉयर इज मैरिड टू पी, क्यू द लॉयर देखो यहां बना देते हैं, क्यू द लॉयर ये लॉयर है, मैरिड टू पी, पी से शादी करी है भाई। पी हैज वन सन एंड वन ग्रैंडसन, देखो छह ही मेंबर थे, दो यहां हो गए, दो यहां हो गए, दो ये है। अब पी जो है उसके एक तो सन और एक ग्रैंडसन है, इसका मतलब ये सन होगा, ये ग्रैंडसन होगा, तो ये ऊपर आएंगे, तो यहां पे हम इसको ऊपर लिख देते हैं। देखो ये लॉयर है, ये जो है हमें अभी तक नहीं पता हस्बैंड वाइफ है, लेकिन दो ही मैरिड कपल थे तो ये आ गया। अब देखो यहां पे देखेंगे ऑफ द टू मैरिड लेडीज वन इज ए हाउसवाइफ, अब देखो ये हाउसवाइफ हमें पता चल गया, ठीक है। ये हमें इसका जेंडर भी पता चल गया, इसका भी जेंडर हमें पता चल गया, इसका जो था टी टीचर मैरिड टू ए डॉक्टर हु इज मदर ऑफ आर एंड यू, ये मदर है तो इसका भी जेंडर पता चल गया था, ठीक है। और ये इस तरीके से, तो यहाँ पे देखो ये डॉक्टर है लेकिन इसका नाम आप देख सकते हैं, और वो क्या होगा पी क्यू आर, तो एस रह गया तो इसका नाम एस टी यू, ठीक है, ये एस आ गया, हमें नाम भी पता चल गया। देर इज ऑल्सो वन स्टूडेंट एंड वन मेल इंजीनियर, एक मेल इंजीनियर, तो मेल अगर इसको माने तो ये तो इंजीनियर हो गया, ठीक है। और जो फीमेल है, क्योंकि वन स्टूडेंट, सबके हमें प्रोफेशन पता है, ये स्टूडेंट हो गया। अब देखो उसने क्या बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द ग्रैंडसन, तो ग्रैंडसन तो ये ग्रैंडसन हो गया, तो ग्रैंड डॉटर है, पहले ग्रैंड डॉटर का पूछा हुआ है उस क्वेश्चन में जो मॉड्यूल में है, तो ये जो है वो क्या हो गया, इंजीनियर, ही इज एन इंजीनियर, सिंपल। देखो ये रिलेशन के क्वेश्चन हैं, फटाफट देख लेते हैं। पॉइंटिंग टू ए फोटोग्राफ ए वुमन सेज दिस मैन्स सन्स सिस्टर इज माय मदर इन लॉ, हाउ इज वुमन्स हस्बैंड रिलेटेड टू द मैन इन द फोटोग्राफ। पॉइंटिंग टू ए फोटोग्राफ ए वुमन सेज, तो वुमन बनाओ, तो ये वुमन हमने बना दिया, ये किसके लिए कह रही है भैया, दिस मैन, तो मैन बनाओ, मैन बना दिया।
दिस मैन सन्स, तो सन बनाओ भैया इसका, ठीक है सन बना दिया। सन्स सिस्टर, तो इसकी सिस्टर बनाओ, तो हमने सिस्टर बना दी, ये सिस्टर बना दी इसकी, ठीक है। इज माई मदर इन लॉ, इसकी मदर इन लॉ है ये सिस्टर। मदर इन लॉ कब बनेगी भैया? मदर इन लॉ तब बनेगी इसकी जब इनके कोई हस्बैंड होंगे। छोड़ो, इन सिस्टर की कोई सन होगा, सन की वाइफ जो होगी वो वुमन होगी, ठीक है। तो अब देखो ये क्या बन गई, इसकी मदर इन लॉ बन गई। तो ये हमें समझ में आ गई, ये वुमन है, ठीक है। अब क्या पूछा है वो देखना हमें। इसने बोला है हाउ इज द वुमन्स हस्बैंड रिलेटेड टू द मैन इन द फोटोग्राफ। वुमन्स हस्बैंड, तो वुमन्स हस्बैंड कौन हो गया? अरे ये सन हो गया। और ये कह रहे हैं वुमन्स हस्बैंड रिलेटेड टू द मैन, मैन कहां हो गया? ये यहां हो गया, ठीक है, आपको दिखाई दे रहा है। तो मैन यहां हुआ, तो ये तो क्या हो गई भैया, ये तो मदर हो गई, ठीक है। और ये मदर के फादर हो गए, तो ये क्या हो गया, इसका मतलब ये तो ग्रैंड फादर हो गए, यानी नाना हो गए, और ये क्या हो गए, ग्रैंड सन हो गया। तो इंग्लिश में तो दोनों को वही बोलते हैं, ठीक है। तो ये देखो ग्रैंड सन हो गया, तो ये हमें दिखाई देता है जैसा बनाना है। तो ये थोड़ा प्रैक्टिस मांगता, ठीक है, और आपने प्रैक्टिस कर लिया होगा भैया खूब। अब देखो 55 नंबर, ए इज द ब्रदर ऑफ बी, ए इज ब्रदर ऑफ बी, ये हमने बना लिया। बी इज द डॉटर ऑफ सी, बी इज द डॉटर ऑफ सी, तो ये हमने बना लिया। एंड डी इज द फादर ऑफ ए, डी इज फादर ऑफ ए, ये हमने बना लिया। देन हाउ इज सी रिलेटेड टू डी, हाउ इज सी रिलेटेड, देखो ये फादर है, ये आपको बताया कि ये भी डॉटर है, तो ये बहन भाई हो गए, तो इसका मतलब ये इसके भी है, तो ये दोनों क्या हो गए, हस्बैंड वाइफ हो गए भैया। तो ये हस्बैंड वाइफ हो गए, तो आप देखो कि देन हाउ इज सी रिलेटेड टू डी, तो सी इज वाइफ ऑफ डी, इसके भी ये सन है और इसकी ये डॉटर है, ये बहन भाई हो गए, तो इसका मतलब ये हस्बैंड वाइफ होंगे, ठीक है। देखो 56, एक्स इज द हस्बैंड ऑफ वाई, एक्स इज हस्बैंड ऑफ वाई, तो ये देखो हस्बैंड वाइफ हो गए। W डॉटर ऑफ X, W इज डॉटर ऑफ X, ये हमने बना। Z इज हस्बैंड ऑफ W, Z इज हस्बैंड ऑफ W, ठीक है। N इज डॉटर ऑफ Z, N इज डॉटर ऑफ Z, व्हाट इज द रिलेशन ऑफ Y टू N, Y टू N, तो देखो आपको पता चलेगा एक जनरेशन ऊपर वाला, तो ये मदर फादर का, ये ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर का, तो आपको दिखाई दे रहा है। तो ये वाइफ का पूछा, व्हाट इज द रिलेशन ऑफ वाई टू एन, तो वाई इज ग्रैंड मदर ऑफ एन। बस ऐसे जनरेशन काउंट कर लेते हैं, ठीक है। देखिएगा 56 तक हो गया ना, 57, 58, 59, देखो लास्ट फोर क्वेश्चन है। आप रीजनिंग में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि रीजनिंग के जो क्वेश्चन है वो कम टाइम ले रहे हैं, लेकिन ये प्रैक्टिस के साथ में ही है, बेस्ड ऑन द स्टेटमेंट गिवन बिलो फाइंड आउट हु इज द अंकल ऑफ पी, ठीक है। के एंड जे आर ब्रदर, तो के एंड जे आर ब्रदर्स, तो जेंडर भी पता चल गया, रिलेशन भी पता चल गया, के सिस्टर इज एन, के सिस्टर इज एन, ठीक है। P एंड N आर सिबलिंग, तो अभी एक बार P एंड R सिबलिंग बना दिया मैंने। N इज द डॉटर ऑफ J, N इज द डॉटर ऑफ J, तो देखो N जो है वो डॉटर है J की, और ये दोनों सिबलिंग है, तो ये हमने बना दिया, ठीक है, ये ऐसा बन गया। अब क्या पूछा है भैया कि हु इज अंकल ऑफ P, तो देखो P का जो अंकल है ये तो फादर है, तो फादर का जो ब्रदर होता है वही अंकल होता है, ये तो अंट है, तो के हो गया, के, ये के हो गया आंसर। 58 नंबर देखो, सिक्स फ्रेंड्स ABCDEF आर सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल फेसिंग टुवर्ड्स ऑफ द सर्कल, ई इज नॉट सिटिंग बिटवीन बी एंड डी, ए सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ एफ, तो देखो सर्कल में बैठे हैं, तो हम बना देते हैं इनको, सिक्स पर्सन है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 6 डॉट बना लिया हमने, ठीक है।
ई इज नॉट सिटिंग बिटवीन बी एंड डी, तो ये तो अभी तो बता नहीं सकते इसके थ्रू, तो अपन आगे बनाते हैं. ए सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ एफ, ए लेफ्ट में बैठा है तो ए सिट्स लेफ्ट ऑफ एफ. लेफ्ट का मतलब क्या होता है, इसमें क्लॉकवाइज होता है, तो ए सिट्स लेफ्ट ऑफ एफ, उल्टा चलता है डायरेक्शन टेस्ट के. सी इज फोर्थ टू द राइट ऑफ ए, राइट ए के राइट में फोर्थ है, तो राइट का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, तो 1 2 3 4, तो ये बन गया कौन, सी. ठीक है, डी इज इमीडिएट राइट ऑफ ए, डी इज इमीडिएट. तो देखो यहां तो एक ही पोजीशन खाली रही है, यहां दो खाली है, तो डी और ई यहां बैठ सकते हैं, तो डी जो है वो इमीडिएट राइट है किसके, ई के. अब जो बच गया वो यहां बैठा दो, तो कौन बच गया, बी, तो ये बैठ गया. तो अब देख लो क्या बोल रहा है उस तरीके से, तो हु सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ एफ, हु सिट्स सेकंड राइट टू एफ, तो यहां पे आपको दिखाई देगा कि हु सिट्स सेकंड टू राइट टू एफ, तो देखो राइट टू एफ, एफ के राइट में, तो राइट का मतलब क्लॉकवाइज, तो फर्स्ट सेकंड, तो कौन हो गया, डी. क्लियर. देखो ये क्वेश्चन तो आपको आते हैं, कुछ एक क्वेश्चन ही हैं जो अलग से ही रखते हैं, कुछ ही क्वेश्चन अलग से लगते हैं. देखो लास्ट टू क्वेश्चंस, सेवन फ्रेंड्स ए बी सी डी एफ जी आर वॉचिंग मूवी सिटिंग इन ए रो इज सिटिंग एट वन एक्सट्रीम एंड. देखो वॉचिंग मूवी है तो इसका मतलब फेस तो साउथ में है, क्योंकि मूवी देख रहे हैं, मूवी इस पे देख रहे हैं, तो उनका फेस, क्योंकि इधर वालों का फेस जो होता है साउथ में होगा क्या, नहीं, मेरा साउथ में है, तो मूवी देख रहे हैं तो नॉर्थ में ही रहेगा, लेकिन अगर मूवी वालों की बात करता ना तो उनका साउथ में होता है, लेकिन ये तो बैठने वालों का, तो बैठने वालों का तो चेहरा हमेशा किधर होता है, नॉर्थ में. ठीक है, हो गया. ई सिटिंग एट वन एक्सट्रीम एंड, ई जो है वो एक्सट्रीम एंड पे है, तो देखो या तो ई इधर होगा या इधर होगा. ठीक है, ये हमने बना लिया 1 2 3 4 5 6 7. ठीक है, अब देखो उसने क्या बोला, सी इज सिटिंग सेकंड टू ई, सी इज सिटिंग सेकंड टू ई, तो इसका मतलब सी या तो यहां होगा या फिर इधर होगा. ठीक है, क्योंकि ई से, क्योंकि ये किनारों पे है, सी सेकंड टू द ई, तो यहां होगा. बी इज सिटिंग बिटवीन ए एंड सी, और बी जो है वो किसके बीच में बैठा हुआ है, ए एंड सी के. तो आप ये देखो कि बी जो होगा वो, अगर सी यहां है तो ए यहां होगा, और सी यहां है तो ए यहां होगा. ठीक है, ये हमने बना लिया, सी यहां है तो ए यहां, क्योंकि बी जो है वो यहां बैठा हुआ है. ठीक है, अब ये बोलता है जी इज नॉट सिटिंग एट एनी एक्सट्रीम एंड, जी जो है वो एक्सट्रीम एंड पे नहीं है. ठीक है, और डी इज सिटिंग इमीडिएट टू एफ. देखो इन चीजों का मायने भी नहीं है, क्योंकि यहां जो पूछा है हु इज सिटिंग इन द मिडल, तो आप देखो कौन मिडल में बैठा हुआ है, तो मिडल का तो एग्जैक्ट है, यहां पे ये चीजें अपनी पोजीशन बदल सकते हैं, तो हु इज सिटिंग इन द मिडल, तो आपको पता चलेगा मिडल में बी बैठा हुआ है, तीन यहां छोड़ दिया, तीन यहां छोड़ दिया बी, तो फालतू की एक्सरसाइज करने से कोई मतलब नहीं है, यही चीज आपको ध्यान रखना है. और देखो प्राण कोमल रवि सालू, ये क्वेश्चन ऐसा है, पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू, ये हमारे क्वेश्चन उसी में है मॉड्यूल में. सिटिंग इन ए रो फेसिंग नॉर्थ, प्राण इज फोर्थ टू द राइट ऑफ त्रिलोक, तो देखो वैसा का वैसा बना देते हैं हम इसमें, तो प्राण इज फोर्थ टू द राइट ऑफ त्रिलोक, तो प्राण इज फोर्थ टू द राइट ऑफ त्रिलोक. ठीक है, राइट में बैठा हो तो राइट में बैठा दिया. फिर वॉल्टर इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ शालू, वॉल्टर इज लेफ्ट में बैठा हो तो लेफ्ट शालू, तो ये शालू 1 2 3 4. ठीक है, और ये थोड़ा सा ये गड़बड़ हो गया, बस सेकंड तक. ठीक है, रवि एंड उर्वी विच आर नॉट द एंड्स आर नेबर ऑफ क्यू एंड टी. देखो ये वैसे ही था, तो रवि और उर्वी एंड पे नहीं बैठे हुए, तो आर और यू जो है, आर और यू जो है वो किनारों पे नहीं है. ठीक है, तो ये हमने किनारे बना लिए हैं जहां पे हमने बैठाया, लेकिन ये किनारों पे नहीं है तो क्रॉस भी कर दिया. लेकिन R जो है वो नेबर किसका है, Q का, तो R इज नेबर ऑफ Q, तो ये तो आर क्यू होगा या फिर क्यू आर होगा. एंड T इज द नेबर ऑफ U, तो T U होगा या फिर U T होगा. ठीक है, नेबर है तो इधर वाला भी हो सकता है, इधर वाला भी हो सकता है. फिर क्या बोला, वॉल्टर इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ प्राण,
अब देखो ये दोनों का मिक्स आ रहा है, वॉल्टर इज लेफ्ट टू प्राण, तो हम यहां पे बनाएंगे तो देखो इन दोनों को मिक्स कर रहे हैं, तो टी ठीक है, ये पी, तो ये वॉल्टर आ गया यहां पे, ठीक है। लेकिन वॉल्टर और एस के बीच में तीन है, तो ये एक दो तीन और ये एस हमने बना लिया, तो ये दोनों देखो मिक्स हो गए। अब चीजें आप करते रहो तो आपको पता चलेगा, देखो इसमें ये बोला है प्राण इज द नेबर ऑफ कोमल, प्राण इज द नेबर ऑफ कोमल, तो प्राण ये है तो कोमल यहां आ जाएगा, तो ये देखो इसमें से पी क्यू आ गया, लेकिन यहां पे देखो क्यू का नेबर कौन है, आर, तो ये आर आ गया। अच्छा टी का नेबर यहां पे देखोगे तो टी का नेबर है वो यू, तो यू यहां आ गया, और जो बच गया वो यहां लिख दो तो वी यहां आ गया, ये बन गया। आप देखो क्या बोला है, हु इज सिटिंग इन द एक्सट्रीम एंड, तो आपको पहले ही पता चल गया टी एंड एस, ठीक है, वही क्वेश्चन है केवल नाम बदला है। तो देखो ये आपका कंप्लीट होता है पूरा का पूरा, ठीक है, ये 60 क्वेश्चन थे और ये मैंने आपको करवा दिए हैं, जिसमें दो तीन क्वेश्चन ही ऐसे थे जो लीक से हटके थे, बाकी वही सारी चीजें हैं, ठीक है। तो ये देखो एक पेपर जो छूटा हुआ था वो भी मैंने कंप्लीट करवा दिया, तो आप इसको एक बार देख लेना अच्छे से, और जो क्वेश्चन में प्रॉब्लम आए उनको वापस से रिवाइज जरूर करना। थैंक यू बेटा।